देखो यहीं से शुरू कर देते हैं आप लोगों को। पहले ये है एरोमेटिसिटी वाला, जो मतलब जो चल रहा है उसको पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने आपको पढ़ाया है, उसमें सिर्फ बेंजाइन बचा हुआ है। बेंजाइन के बारे में बताना बचा हुआ है, बेंजाइन रिएक्शन तो देख ही चुके हो और बच रिडक्शन। तो फिर भी हम सोच रहे हैं प्रैक्टिस करवा दें। देखिए जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर वन में, आप लोग पढ़ो और सोचो जैसे कि एग्जाम राइट कर रहे हो। प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्ड करना भैया, मतलब एक दो कि क्या है। क्वेश्चन नंबर वन लिखा, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन फॉलोइंग स्पीशीज। पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ दोस्त, कोई सर टू आप बोलोगे एक पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है बे, पाई बॉन्ड थोड़ी नहीं पूछा है। पाई, फोर बहुत गलत बता रहे हो दोस्त, सर सिक्स होगा, सर रेजोनेंस सिक्स प्रभाव जो होगा बनेगा वो भी गिने। सिक्स होगा दोस्त। भैया ये दो पाई हो गए, ये दो पाई हो गए, चार पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोस्त ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो ग्रीन पेंसिल बना रहे हैं, ये तुम्हें लग रहा है कि ये खाली बैठा रहेगा। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में हम आपको बता चुके हैं कि ये भी पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व करेगा। क्या मतलब है इसका? मतलब ये होता है ऐसे तो तुम लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करोगे। अगर हम आपसे पूछे सी एच टू माइनस लिखा है, माइनस का मतलब है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये माइनस चार्ज, और यहाँ पे लिखा है सी एच टू और सी एच थ्री, तो हम पूछे इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 sp3 होगा। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्त इसमें जब आओगे तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये यस सर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इस जगह पे sp2 होगा। बहुत बढ़िया दोस्त, और यहाँ पे होगा sp3। कोई बोले sp2 क्यों? ये लोन पेयर एक्चुअली में लोन पेयर नहीं है। जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो एक्चुअली में ये पाई इलेक्ट्रॉन है, हो जाएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। भाई आप इनको रेजोनेंस कराओगे ऐसे ये इधर की तरफ टूटेगा। तो जब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता, और वो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ी काउंट होगा वो। तो दोस्त इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो दो तो पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन ही कहा जाएगा। तो टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज करते हैं और ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर हाँ यस दोस्त, सर क्वेश्चन नंबर टू देखो, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। अनसेचुरेशन होता है, कलरलेस भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी लग रही है तुम लोगों को इसमें? ए सर ए पार्ट सब लग रहा है होती है ना कैरेक्टरिस्टिक। अरे एरोमेटिक कंपाउंड की अलग से स्मेल होती है ना, सूदिंग फ्लेम जिसे बोलते हैं। इसका आंसर कोई नहीं, इसमें सब गड़बड़ हो गया है, कोई आंसर नहीं है इसमें, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है, अनसेचुरेशन भी होता है, इनफ्लेमेबल भी होते हैं, कलरलेस भी होते हैं। तो इनकी अलग एरोमेटिक कंपाउंड्स की अलग स्मेल भी कही जाती है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन में, लेकिन होते ये चारों हैं। आप देखिए केकुले स्ट्रक्चर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो बेंजीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड मेनली बिकॉज ऑफ टू केकुले स्ट्रक्चर। रेड केकुले स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यही तो बोला था इन्होंने। ये नीचे देखो रेड पेन से, इन्होंने तीन डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजिशन पे लगाए और दूसरा फिर स्ट्रक्चर बनाया जिसमें तीन डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजिशन पे लगाए, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर उधर कर दी। तो इन्हीं को तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं बेंजीन का, केकुले स्ट्रक्चर यही तो कहे जाते हैं यस ना सर भैया। तो दोस्त यस अब सर इसके इसके बेसिस पे आप ये बताओ क्या आंसर होगा इसका। सर सी वाला सर सी सी और वाला सी होगा, सी वाला बहुत बढ़िया दोस्त, आंसर है सी पार्ट इसका। चलो क्वेश्चन नंबर फोर बताओ, मोस्ट बेसिक कंपाउंड, ये तो जीओसी का पोर्शन है। मोस्ट बेसिक में जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखते हैं। जितना ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी नाइट्रोजन के पास उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो दोस्त उतना ज्यादा बेसिक होगा तो सर डी भैया पार्ट डी होगा सर डी वाला, डी होगा सर। डी वाला ये बता रहे हैं ये लोग। तो देखिए दोस्त हम बता देते हैं, हम भी सर डी वाले में तो वो रेजोनेंस किस मतलब रेजोनेट कर जाएगा ना उसका लोन पेयर रेजोनेंस तो चारों में है, नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन में रेजोनेंस हर जगह करेगा, यस लेकिन लेकिन रेजन डी में प्लस आई हाँ ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्गर है
तो डी वाले में अगर प्लस आई ग्रुप आप देखोगे या हाँ बल्कि नेचर का ग्रुप देखोगे कुल मिला के, तो वही होगा वो डी वाला पार्ट होगा इसमें। ठीक है दोस्त, डी यस होगा, सर, फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ कोई पूछेगा तो डी सी बी ए होगा ये, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बहुत बड़े बड़े हैं वहां। डाइवेलेंट जैसे आप लोग जानते हो बेंजीन के आगे हम लोग लिखते हैं सी एच टू, और यहाँ पे फ्री वैलेंसी छोड़ देते हैं, इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल होता है। यस सर, यस सर, हाँ तो ये इसका नाम होता है बेंजाइल, बेंजाइल होता है ये बेंजाइल। वैसे ही बेंज, बहुत बढ़िया दोस्त आंसर सी है, बेंजल, बेंजल ये होता है दोस्त सी एच, दो वैलेंसी फ्री कर दो इसे बेंजल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, विच आर द फॉलोइंग बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम, मतलब कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम है इथाइल बेंजीन में। दो हुए, तो इथाइल बेंजीन का मतलब है, हाँ बिल्कुल बढ़िया, PH CH2 CH3, तो दो हाइड्रोजन है जो आपके बेंजाइलिक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेवन बताओ दोस्त, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। सर बी वाला, बी वाला, बी, बी पार्ट, बहुत बढ़िया दोस्त, बाकी सब एरोमेटिक है, कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी इनमें सब में आ रही है। क्वेश्चन नंबर एट, ये एल्केन की रिएक्शन भी आप समझ सकते हो क्वेश्चन नंबर एट वाले, सी वाला, सही होगा। हाँ लिखा है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन बेंजोइक, बेंजोइल एसिटिक एसिड, क्या लिखा है, बेंजोइल, हाँ ठीक है, बेंजोइल एसिटिक एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम। तो भैया बेंजोइल एसिटिक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम, ये कहाँ गया, ये कौन सा आंसर है बताओ दोस्त इसका। सी वाला सर, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा सर, सी बनेगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है दोस्त, सोडा लाइम से डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, बेंजाइन इंटरमीडिएट, हो ले उसको पढ़ाना पड़ेगा आपको, बेंजाइन इंटरमीडिएट इज नॉट ऑब्जर्व। वैसे हम आपको बता चुके हैं बेंजाइन के बारे में, कल ही पढ़ाया था, लास्ट प्रीवियस क्लास जो भी हमने ली थी, हमारी जो क्लास हुई थी आपकी, जय सर की नहीं हमारी वाली, उसमें हमने आपको यहीं पे छोड़ा था शायद, बेंजाइन बता दिया था लेकिन। और कैसे बनता है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन करके बताए थे ना हमने। तो सपोज करो आपने ले लिया है यहाँ पे NaNH2 लिक्विड अमोनिया, आ रहे जब आपको वो पढ़ाए थे भैया डाउ प्रोसेस, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया सपोज करिए आप लोग ले ले रहे हो, तो NH2- क्या करता है, जाता है एसिडिक एच को निकालता है, एसिडिक एच क्या करेगा, फ्लोरीन को या क्लोरीन को जो भी है पुश करेगा। तो अगर आप पहले वाले में यहाँ से एसिडिक एच हटाओगे तो माइनस चार्ज अटैक करके फ्लोरीन को बाहर पुश कर देगा, यहाँ सी वाले में यहाँ से हटाओगे तब भी पुश कर देगा, और डी वाले में बताना रह गया, बता रहे हैं अभी आपको, डी वाले में एक्चुअली में दो दो लिविंग ग्रुप निकल जाते हैं। पहले तो आंसर बताओ क्या आंसर इसका सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि क्लोरीन के बगल में उसमें दोनों सर हिंडेंट ग्रुप लगे हुए बगल बगल। हाँ दोस्त एक बात बताओ, ठीक है ये सही बता रहे हैं, नीचे हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं आप लोगों को, जब हमने बताया था यहाँ पे भैया क्लोरीन लगा है, यहाँ पे एच लगा है, और आपने NaNH2 से अटैक कराया था इस पे, तो NaNH2 लिया था या डाउ प्रोसेस कर लिया था, और लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट लिया था, तो जब आपने लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट लिया था तो NH2- आया था, NH2- ने क्या किया था, ये NH2- और Na+ था, NH2- ने इस एसिडिक एच को निकाल दिया था, और ये पूरा बेंजीन था मान लो। तो जो हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासेस में वो ये हुआ था कि क्लोरीन इसी जगह पर रहेगा और यहाँ पे लग जाएगा माइनस चार्ज, और यही माइनस चार्ज फिर अटैक करता है इसे और क्लोरीन को बाहर पुश कर देता है। इसका मतलब बेंजीन में जिस कार्बन पे हैलोजन लगा होता है उसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, जब हाइड्रोजन उसके बगल वाले कार्बन पे होगा तभी तो बेंजाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाएगा। भैया बताओ दोस्त, यस सर। तो बेंजाइन बनाने के लिए जरूरी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि बेंजीन में जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा है, फ्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, उसी के ठीक बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी NaNH2- या डाउ प्रोसेस में भी कुछ भी आएगा वो आके अटैक कर देगा। तो दोस्त ऑप्शन बी तो इसमें बेकार हो गया, क्योंकि बी के बगल उसने मिथाइल मिथाइल लगा दिया है,
तो भैया तुम कैसे हटाओगे उसको, समझ रहे हो दोस्त? तो बेंजाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा वहां पे, वो साफ साफ दिख रहा है। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? ये सर हो गया। ये सर। अब एक कॉपी में लिखते रहना, ये जरूरी चीजें हैं कि छूट भाई गड़बड़ ना हो जाए कोई। एक बेंजाइन में एक्चुअली वही बेंजाइन रह गया था ना हमको पढ़ाना, तो एक तरह से आज की क्लास में हम बता ही देते हैं इसको। देखो जैसे ये लिखा हुआ है ये वाला, इसको भी हीट करते हैं तो हमें बेंजाइन मिल जाता है। अगर इसको हीट करने पे हमें प्रोडक्ट जो मिलता है, हम लिख दे रहे हैं। देखिए कॉपी निकालो भैया, तुम लोग कॉपी निकालो, इसको इस पूरे मॉलिक्यूल को लिखो और हीट करो। कॉपी निकाल के लिखोगे, निकालो कॉपी और उसमें ऐसे बना लो, ये साथ में N2 गैस बना देना और साथ में बना देना CO2 गैस। इस वाले मॉलिक्यूल को लिख के इसको हीट करो। और हमने ये चार मेंबर की रिंग के थ्रू दो बेंजीन रिंग को जोड़ दिया है। हेलो, निकाले भैया कॉपी, हम चल के बताएं ब्लैंक पेज से। हाँ, तो इसको एक काम करिए, हम चलिए फिर से अभी जो ये लिखा है, अगर कॉपी नहीं कर पाए हो तो परेशान ना हो, दूसरे पेज पे चल के लिख रहे हैं, ठीक है? अभी कॉपी कर लेना, हम बता देते हैं किसी ब्लैंक पेज। देखो दोस्त, ऐसा हो रहा है कि हमने बोला था बेंजाइन के बारे में, तो बेंजाइन तो ये होता है, लेकिन बेंजाइन को ऐसे ही बनाते हैं जैसे आपको पता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस एन टू प्लस लिखा है, और यहाँ पे लिखा होता है सी ओ ओ माइनस। अगर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसको जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है दोस्त, वो ये होता है। एक बेंजीन रिंग ऐसे रह जाती है, एक बेंजीन रिंग इनके बगल में हो जाती है, और ये चार मेंबर के रिंग से जुड़ जाते हैं दोनों, ऐसे चार मेंबर के रिंग, ठीक है? ये देखो दोस्त, और साथ में N2 गैस निकलती है और CO2 गैस निकलती है, ठीक है भैया? यस सर। यस सर। इतना बनाओ पहले, आप लोग लिखिए वही CO2 गैस निकलती है और साथ में निकलती है N2 गैस, ये दोनों ही निकलती हैं। कोई बोले कैसे हुआ होगा और क्या रीजन है इसका, तो हम बताते हैं, आप कॉपी कर लीजिए इसको, हम नीचे उसका बता रहे हैं। एक्चुअली जो पहला वाला मॉलिक्यूल है उसमें दो दो लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप कैसे हैं, जैसे N2 प्लस को कैसे लिखते हो आप लोग, ऐसे लिखते हो, नाइट्रोजन प्लस हो गया आप, और CO2 को कैसे लिखते हो, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ पे माइनस, ऐसे लिखा जाता है। तरीका बता रहे हैं इसको हीट करने पे क्या होगा। हीट करने पे एक्चुअली में क्या होता है कि भाई फ्रेगमेंटेशन होता है, कभी भी हीट करते हो तो मॉलिक्यूल टूटता है, या जिनकी लीवेबिलिटी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल को छोड़ के निकल जाते हैं, वो लीव कर जाते हैं। हीट करने पे यही होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, इसका मेकेनिज्म, इसका शॉर्टकट एक तरह से आप मेकेनिज्म बता रहे हैं, इसकी मेकेनिज्म या शॉर्टकट। तो भाई एक बात बताओ, N2 प्लस अगर निकलेगा, हमें आपको ट्रिक बता देते हैं, N2 प्लस अगर निकलेगा तो N2 गैस के फॉर्म में निकल सकता है, तो वो क्या करेगा, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, यही तो करेगा दोस्त। हीट करने पर फ्रेगमेंटेशन होता है, ये जानते हो ना? यस सर। हाँ, तो N2 को निकलना होगा दोस्त, तो ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन न्यूट्रल गैस के फॉर्म में निकलेगा ना, N ट्रिपल बॉन्ड N कोई न्यूट्रल गैस है, N2 वो निकल जाएगी। CO2 बोलेगा हम भी भैया न्यूट्रल निकलेंगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऐसे करके निकलेंगे हम भी, हम मतलब CO2 ऐसे होता है, N2 ऐसे होता है। तो CO2 को अगर ऐसे निकलना है, अगर ऐसे निकलना है तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा ऐसा है कि भैया हम अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे जाएंगे, तो रादर इसका मतलब ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकल के बेंजीन की तरफ आ जाएगा, तभी तो कार्बन पे CO2 वाले कार्बन पे प्लस आएगा, तो O माइनस अटैक करके उस पे CO2 बना देगा। बताओ दोस्त, यही तो पॉसिबिलिटी है इसमें, बच्चा? हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो साफ साफ दिख रहा है CO2 बन गया, मतलब CO2 कैसे बना होगा भैया, एक C डबल बॉन्ड O था यहाँ पे, कार्बन पे प्लस हो गया, ऑक्सीजन पे माइनस हो गया, तो ये तो CO2 बन जाएगा, तो ये तो समझ गए होगे CO2 कैसे बना, ठीक है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आप सुनिए, तो जो बचा हुआ पोर्शन है, जरा ध्यान से देखिए, जो बचा हुआ पोर्शन है,
अगर हम उसको देखेंगे तो वो तो बोलेगा कि भाई बेंजीन तो हमारे पास पहले से ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक नया पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, इसकी वजह से एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो ये बेंजाइन ही तो है, यस सर। ये बेंजाइन है, इसी को तो बेंजाइन हमने बताया था। अब ये बेंजाइन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है इससे रिएक्शन करने के लिए, तो ये क्या करेगा, सेल्फ कॉम्बिनेशन कर लेगा, सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो सेल्फ आपस में जब जब कुछ नहीं मिलेगा, जैसे इसके पहले क्या होता था, लिक्विड NaNH2 होता था, सॉरी लिक्विड अमोनिया होता था, अमोनिया आज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, तो जब इसमें कुछ नहीं है तो ये सेल्फ कंबाइन करेगा, तो सेल्फ कंबाइन करेगा, तो जैसे बेंजाइन पे आप अज्यूम कर लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन कर जाएंगे, तो मान लो ये डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और दूसरा वाला बेंजाइन का मॉलिक्यूल भी आप बगल में लिख दो, बेंजीन के फॉर्म में लिखो पहले, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और बेंजाइन में अगर तुमने प्लस माइनस मान लिया प्लस माइनस प्लस माइनस, तो भैया एक का प्लस दूसरे के माइनस से कंबाइन कर जाएगा, दूसरे का प्लस दूसरे के माइनस से कंबाइन कर जाएगा, तो यही तो प्रोडक्ट बनेगा अगर बेंजाइन सेल्फ कंबाइन करेगा तो, दूसरा बताओ बीच में चार मेंबर करेंगे, यस सर यस सर। तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि बेंजाइन में ऐसा होता है, कॉपी कर चुके हो है भैया, यस सर यस सर। हाँ तो कॉपी कर लिया आप। अब देखो प्रॉब्लम ये होती है कि बेंजाइन एक्चुअली में होता क्या है, बेंजाइन के बारे में बताना जरूरी है, तो बेंजाइन के बारे में आपको बता देते हैं, कॉपी में लिखते जाना बेंजाइन क्या होता है। देखिए लिखिए बेंजाइन, क्योंकि बेंजाइन लास्ट क्लास में रह गया, मैकेनिज्म तो बता दिया था हमने जो भी है डाउ प्रोसेस और ये सब करके, लेकिन एक्चुअल बेंजाइन क्या होता है वो देखो, एक्चुअल बेंजाइन क्या होता है ये देखो, बेंजाइन की कुछ प्रॉपर्टीज है उनको हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड और कहने के लिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये एक्चुअली में ये होता है बेंजाइन जो हम लिख रहे हैं, बेंजाइन इज इक्वल, ये बीच में ट्रिपल इक्वेलेंट टू है, ये इक्वेलेंट टू ये जो हम लिख रहे हैं डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे रेडिकल्स होते हैं फ्री रेडिकल्स, एक फ्री रेडिकल होता है बेंजाइन, एक डाई रेडिकल होता है एक्चुअली में, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये, ऐसे जैसे प्योर प्योर मेटल होता है ये ऐसे होते हैं, ये है बेंजाइन। अरे एक पी ऑर्बिटल के दो डंबल होते हैं ना वे, है भैया? यस सर। हाँ तो ये दोनों डंबल्स हैं एक्चुअली में, बेंजीन आपस में जो रेड पेन से हमने बनाया है वो रेजोनेंस करता रहता है, ये बेंजाइन में एक्चुअली ये दोनों रेडिकल्स कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है इन बेंजाइन, अगर आप बेंजाइन में देखोगे तो बेंजाइन में पहला पॉइंट तो ये होता है All carbons are sp2 hybridized. सारे carbons sp2 hybridized होते हैं। कभी भी गलती से सोच मत लेना कि वो sp hybridized है, वो लिखने का सिर्फ ऐसा तरीका है। कोई बोले सर ये क्या कहना चाहते हो बेंजाइन के बारे में, अरे बेंजाइन हम ये कह रहे हैं बेंजाइन ये होता है कि डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ नहीं सकते, अगर जोड़ दिया तुमने तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि साइकिल में पॉसिबल ही नहीं है, कल आपको बताया था साइकिल में sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो साइकिल टूट जाएगी लीनियर हो जाएगा। तो कोई बोले सर आपने फिर ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाया, बुक्स में ट्रिपल बॉन्ड क्यों लिखा जाता है, अरे सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि ऑपरेटर है, या मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में प्रिंट होके क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ऐसे ही पता नहीं क्या डॉट डॉट पड़े होते हैं, ब्लैंक पेज होता है, तो लोग इस फ्री रेडिकल को सोचेंगे अरे ऐसा ही इंक लग गई होगी या कुछ हो गया होगा, लोग जनरली अवॉइड करते हैं कि अरे डॉट पड़ गया होगा ऐसे ही कोई, तो सिर्फ उससे कंफ्यूज ना हो कोई तो ट्रिपल बॉन्ड ही बना देते हैं इसको, ये दोनों रेडिकल्स आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, ये दोनों रेडिकल्स एक्चुअली में प्योर प्योर ऑर्बिटल्स में है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ही नहीं, ये कंबाइन नहीं कर सकते, दोनों सेम स्पिन के होते हैं,
इसीलिए बेंजाइन को हम लोग डायरेडिकल बोलते हैं, बेंजाइन इज डायरेडिकल। समझ में आ रहा है भैया बेंजाइन क्या होता है? यस सर। यस सर। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, कोई भी sp हाइब्रिडाइज नहीं है, वो एक इल्यूजन है, वो एक भ्रम है, लोगों को सिर्फ ऐसे ही बताया जाता है कि वो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होता ही नहीं है, वो उस जगह पे एक्चुअली दो रेडिकल होते हैं, तो लोगों को पता होता है अरे दो रेडिकल है बगल बगल, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ज्वाइन कर दे बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे ज्वाइन कर ही नहीं सकते क्योंकि वो टूट जाएगा, नहीं साइकिल हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल अभी भी है, हाईली रिएक्टिव है ये, क्योंकि दोनों रेडिकल, रेडिकल का मतलब नाम ही सुने होंगे रेडिकल, जैसे रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो रेडिकल अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो कुछ नहीं मिलेगा तो आपस में ही कंबाइन कर जाएंगे, जैसा कि हमने इसी पेज पे ऊपर अभी लिखवा आपको बताया हुआ था, और जब इसको कोई मिल जाता है तो उससे रिएक्ट कर जाता है। तो ये होता है बेंजाइन, जिसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, डायरेडिकल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ये हाईली रिएक्टिव। ठीक है भैया, बताओ दोस्त। यस सर। हाँ दोस्त, अब देखिए इसकी इतना कॉपी कर लियो, अभी कॉपी वॉपी करते हो तो। यस सर। यस सर। हाँ देखो दोस्त, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं लिखने के लिए, अब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ये बेंजाइन फिर अमोनिया से रिएक्शन कैसे करता था, अमोनिया कैसे आके इस पे अटैक करता था, क्या करता था? तो बेंजाइन की रिएक्शन जब किसी न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं, जैसे कोई बोले कि सर आप ये बताओ कि जब आपने बोला था कि ये बेंजाइन है हमारे पास, ये चलो हम आपके हिसाब से मान लेते हैं इसमें लोन पेयर्स हैं ऑर्बिटल्स में, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है ये, ऐसे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब अमोनिया का न्यूक्लियोफाइल तुम लाके यहाँ पे अटैक कर रहे थे, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट या वाटर सॉल्वेंट डाउ प्रोसेस वाला, तो क्या होता था? एक्चुअली में जब ये आके अटैक कर रहा था इस ऑर्बिटल में, किसी ऑर्बिटल में आएगा अटैक करने, तो एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते, दो ही रहेंगे, तो क्या करेगा, जो उस ऑर्बिटल में पहले से ही पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेगा भाई भाई तुम यहाँ से चले जाओ। कहाँ जाएगा? वो बोलेगा बगल वाले ऑर्बिटल में चले जाओ, वहां जाके पेयरिंग कर लो। तो जब ये आके अटैक करेगा तो ये जंप कर जाता है इसमें, यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है बगल वाले ऑर्बिटल में, मतलब जो हम आपको पहले बताते हैं ट्रिपल बॉन्ड है उस पर अटैक किया टूट गया, वो एक्चुअली में ये तरीका होता है कि जब एक लोन पेयर आएगा अमोनिया का या किसी भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज के लोन पेयर अटैक करेगा, तो भाई उसको कहाँ खाली जगह मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है उसको जाके धक्का देगा, चलो भाई हटो तुम जाओ इधर, दूसरी जगह जाके चले जाओ। तो वो क्या करेगा दूसरी जगह वाला, मतलब कहाँ चला जाएगा वो, अभी जहाँ पे उसको जगह मिलेगी वहां चला जाएगा। तो इस जगह पे बगल वाले ऑर्बिटल में एक तरह से दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और दो इलेक्ट्रॉन कहीं भी आते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा दोस्त, बताओ भैया? यस सर। आ जाएगा? यस सर। हाँ तो बेंजीन ऐसे ही रहेगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पे एक ऑर्बिटल पे, और दूसरी जगह क्या होगा, सीधे डायरेक्ट आके लग जाएगा अमोनिया NH3+, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट कर रहा है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर डोनर स्पीशीज मानने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अरे यही तो करते थे हम डायरेक्टली, एक माइनस एक प्लस, तुम बोलोगे हाँ सर यही करते थे, जानते हो क्या करते थे हम, बोलते थे ट्रिपल बॉन्ड है, आप लोगों को जो प्रीवियस क्लासेस पढ़ाया है तो ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड था, और बोलते थे इसमें अमोनिया का लोन पेयर आ गया अटैक करने, और लोन पेयर जब आके अमोनिया का अटैक करता था यहाँ पे तो ये पाई बॉन्ड इधर टूट जाता था, तब भी तो आप यही बोलते थे कि हाँ सर इधर पे एक ट्रिपल बॉन्ड टूटने की वजह से एक माइनस चार्ज आ जाता था इस जगह पे, और इस जगह पे आ जाता था NH3+। तो दोस्त वो आंसर फाइनली सेम बता रहा था, लेकिन एक्चुअल तरीका अब जो बता रहे हैं यही है, प्रिसाइज मेथड यही है जो अभी आपको बताया जा रहा है। अब बहुत लोग जो ट्रिपल बॉन्ड मानते हैं उससे भी आंसर सेम आ जाता है, अब हर एक बच्चे को इतना डिटेल में नहीं बताया जा सकता, इसलिए बुक्स वाले उसको क्या करते हैं, बोल देते हैं ट्रिपल बॉन्ड है। तो नॉर्मली बच्चों को भी पता होता है कि किसी बॉन्ड पे कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा,
उससे वो फाइनली प्रोडक्ट बना लेते हैं। लेकिन अगर बेंजाइन के बारे में डिटेल में जानना है तो ये एक्चुअल तरीका ये है जो हमने ऊपर बताया हुआ है, अभी स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है अभी, कि कोई लोन पेयर आता है तो एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के दूसरे ऑर्बिटल में डाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस कहीं पे भी होगी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? आंसर तो सेम आ रहा है सबका, ये समझ पा रहे हो एक्चुअल तरीका? यस। और एक्चुअल तरीका ये भी होता है दोस्त कि बेंजाइन में सारे कार्बन sp हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, कोई भी sp नहीं होता। और बेंजाइन एक डायरेडिकल है और वो ट्रिपल बॉन्ड होता ही नहीं वहां पे, नहीं तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। वो ट्रिपल बॉन्ड जैसे कि इल्यूजन है कि भाई दो कार्बन लिखे हैं, दोनों कार्बन को सिर्फ भाई रेडिकल्स हैं, तो रेडिकल सब बार बार लोग भूल जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अरे चलो ठीक है भाई उनको ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में बना दो। लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि वो ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं वहां पे, तो इसी के बेसिस पे हम बताते थे। बताओ दोस्त, क्लियर हो रहा है भैया? ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। एक और चीज देखिए, बेंजाइन में ये जो ऑर्बिटल्स होते थे ये प्योर पी होते थे, प्योर पी ऑर्बिटल्स होते हैं ये, समझ रहे हो दोस्त? क्लियर है बच्चा? Yes. जाएगा? Yes. वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए देखिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो बेंजाइन बनता कैसे था? हाँ, एक और चीज हो गई, तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बेंजाइन बनता कैसे है। बेंजाइन बनने के लिए क्या करते हैं हम लोग, भाई आपको बहुत सारे तरीके पता है, कोई भी हैलोजन लगा दो, बेंजाइन बनाने के लिए क्या होता है, जैसे फ्लोरोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसकी रिएक्शन आप करवा दो NH2- लिक्विड अमोनिया से। NH2- कोई बोले NH2- के साथ क्या है, अरे सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लो, ठीक है, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, साथ में क्या है, एक सॉल्वेंट लेते हैं जो कि प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। कोई बोले क्या कहना चाहते हैं आप, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट के साथ साथ प्रोटिक भी होता है, मतलब जो H+ दे सकता है, समझ रहे हो दोस्त? हेलो हेलो। अरे पोलर प्रोटिक, प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन मतलब जो H+ का मतलब प्रोटॉन होता है, तो भैया NH2- आएगा, अटैक करेगा, इस H को निकाल ले जाएगा जो फ्लोरीन के बगल में। इसीलिए बेंजाइन तभी बनता है जब हैलोएरीन होते हैं और हैलोएरीन के बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है जो कि बेस आके निकाल ले जाएगा इससे। और यहाँ से हमको पता है कि पहले ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद जिसको ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लिख देते हैं और बाद में लिक्विड अमोनिया अटैक कर जाएगा, तो लिक्विड अमोनिया अटैक करने की वजह से लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट था तो आपको पता है एनिलीन बन जाएगा। अब आपको एनिलीन वाला भी कॉन्सेप्ट पता है कि क्या करना है, स्टार वाला हमने कराया था कल, अरे स्टार वाला कुछ कराया क्या, स्टार वाला कार्बन? यस सर। यस बहुत बढ़िया दोस्त। यस हाँ, तो इनिमिक किसी कार्बन पे स्टार लगा दो तो कैसे होना है। ये बेंजाइन के बारे में सब कुछ हो गया, बेंजाइन क्या होता है, कैसे बनता है, एक्चुअली में ट्रिपल बॉन्ड होता है या नहीं होता है, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद क्या कंडीशन होती है बेंजाइन की। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया इसको? ये डाउट नहीं कोई किसी को? कॉपी कर चुके हो दोस्त? कॉपी कर चुके हो ना बच्चा? यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, ऊपर आ जाओ। तो जैसे सबसे ऊपर एक एग्जांपल लिखा हुआ है N2+CO-, तो यहाँ से भी बेंजाइन बनता है, और वो बेंजाइन जो बनता है वो सेल्फ कंबाइन कर जाता है, क्योंकि यहाँ लिक्विड अमोनिया थोड़ी ले रखे हो तुम। तो बेंजाइन कैसे बनता है, इसको हीट करने से फ्रेगमेंटेशन होगा, हीट करने से हमेशा फ्रेगमेंटेशन होता है या उधर रिएक्शन जाती है जहाँ पे ज्यादा एंट्रोपी बढ़ रही है। तो N2 गैस की भी लिवेबिलिटी ज्यादा है, CO2 गैस की भी लिवेबिलिटी ज्यादा है, दोनों निकल जाएंगे, दोनों निकल जाएंगे, तो ऐसा दिख रहा है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, ट्रिपल बॉन्ड जैसा एक बिहेवियर हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा बेंजाइन के बारे में। अब चलते हैं हम लोग फिर से, अरे फिर से चलते हैं वहां पे जहां आपको क्वेश्चंस करवा रहे थे। इसमें अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, क्योंकि डील सल्डर भी पढ़ाना है हमको। ठीक है बच्चा, हो गया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत अच्छे। चलो तो हम लोग यहाँ पे थे, हो गया ये कौन सी रिएक्शन थी, ठीक है 9th वाली रिएक्शन हो गई, ठीक है 10th वाली, 9th वाली हो गई ना बच्चा, सबको समझ में आ गया? 10th के बारे में बताओ,
टेंथ के बारे में बताओ। सर बी ऑप्शन। बहुत प्यारा दोस्त, ये बता रहे हैं बी ऑप्शन। ये सेम एग्जांपल ही हमने कराया हुआ है क्लास में, ऐसा ये बता रहे हैं कि बी ऑप्शन, या तो ऑप्शन बी है या तो ऑप्शन ए है। कोई बोले सी क्यों नहीं है, तो हमको लग रहा है बताना ही पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने ये सेम एग्जांपल कराया हुआ है। देखो दोस्त एक बार देख लीजिए, थोड़ा ठीक कर दे इसको। हमने बोला पैरा क्लोरो टॉलुइन, एक मिनट रुक जाओ, अरे आंसर गड़बड़ हो गया शायद। पैरा क्लोरो टॉलुइन क्या होता है दोस्त? टॉलुइन लिखा यहाँ पे CH3, सॉरी ध्यान से देखिएगा, CH3 ये होता है। और मान लो कोई हो रहा है पैरा पे क्लोरो, तो एक काम करो यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, यहाँ पे लगा दो H, और ऐसे ही डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो अल्टरनेट होने चाहिए, कहीं भी लगा दो। अब मान लो लिक्विड अमोनिया से करा दिया तो NH2- आएगा, तो NH2- सबसे पहले H को निकालेगा ना बच्चा। अब इस क्वेश्चन को लिख के लेना, मतलब आंसर को, H को निकालोगे तो H को निकालोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे एक क्लोरीन लगा रहेगा और यहाँ पे बन जाएगा -4 और इस जगह पे आ जाएगा CH3। बताओ दोस्त यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? Yes. अब ये माइनस यहाँ पे अटैक कर जाएगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। देखो रिएक्शन लिख, आंसर लिखने का तरीका तो यही था कि हम अटैक करा के निकाल देंगे इसको। तो अटैक करा के जब दोस्त इसको निकालोगे तुम, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इस जगह पे आ गई लो, और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ गया। CH3 प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप होता है, हमने कल आपको पढ़ाया था कि जब भाई बेंजाइन की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप होता है, तो नेगेटिव चार्ज उसके बगल में नहीं बनाते हैं। अब जब तुम अमोनिया का अटैक कराओगे, अमोनिया का, लिक्विड अमोनिया का, तो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि वो आके इस पोजीशन पे अटैक करे, तो नेगेटिव चार्ज इधर एकदम बगल मिथाइल के नजदीक बनेगा, नजदीक नियर बाय पोजीशन पे। अगर तुमने ऐसा किया तो नेगेटिव चार्ज जो बनेगा उसको वो मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट से अनस्टेबल हो जाएगा भाई। ठीक है यहाँ पे NH3+ आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर ने अटैक किया, तो उस पर एक प्लस चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा। लेकिन कोई बोले सर हम उस जगह पे अटैक नहीं कराएंगे, हम दूसरी जगह पे अटैक कराएंगे, तो क्या करोगे दूसरी जगह पे अटैक करा के? अरे इनका कहने का मतलब ये है कि भाई हम इस पोजीशन पे कराएंगे। अरे समझ रहे हो बच्चा तुम लोग कि हम ऐसे ही बता रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ तो अगर कोई बोले सर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है आपने जहाँ पे अटैक कराया उधर नहीं कराएंगे, तो नहीं कराओगे तो क्या करोगे? तो मेटा पे अटैक कराओगे अमोनिया का, लो मेटा पे अटैक करा दिया, इसको ऐसे ले जाके यहाँ पे अटैक करा दो मेटा पे, तो ये पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा। तो अब जो नेगेटिव चार्ज बना है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। अब जो नेगेटिव चार्ज बना है यहाँ पे बना है जो मिथाइल से दूर है, तो ये वाली कंडीशन में थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो जो एक बता रहे थे अभी ये कि सर मेटा प्रोडक्ट बनेगा, मेटा पे अमोनिया लग जाएगा, बिल्कुल सही है ये, आंसर बी ऑप्शन आएगा। अच्छा अमोनिया NH3+ है ना, उसका H निकल के जो माइनस चार्ज है उसको मिल जाएगा, तो ये वाला फेवर करोगे ना, ये वाला थोड़ी फेवर करोगे? बताओ दोस्त। यस सर। हेलो। यस सर। तो दोस्त हम लोग ये बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप से दूर होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमने कराया? अरे ये कराया होगा, सेम क्वेश्चन ही कहो कराया हो, ऐसा कुछ कराया है दोस्त? नहीं कराया तो कोई बात नहीं, देख लो सर। नीचे वाला कराया सर, OCH3 वाला। OCH3 वाला कराया है, तो माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप होता था। अरे ये समझ में आ रहा है दोस्त, प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप के नजदीक में माइनस चार्ज नहीं बनाएंगे क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रॉन भेज रहा होगा। कोई बोले सर क्या रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा? अबे बेंजीन के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप रेजोनेंस कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज बना है ना ये लोकलाइज्ड होगा, ये बेंजीन में रेजोनेंस नहीं करेगा, ये सोच लेना भैया तुम लोग। ये जो नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं ये लोकलाइज्ड होगा, बेंजीन बोलेगा हमारे अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से ही डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं और वो एरोमेटिसिटी की जो एक्सट्रीम स्टेट होती है उसमें है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज बना है ना अभी अमोनिया के अटैक के बाद,
ये लोकलाइज्ड रहेगा, वहीं पे खड़ा रहेगा चुपचाप। इसका मतलब है वह बाकी ग्रुप्स के प्लस आई माइनस आई इफेक्ट से ही डिस्टर्ब होगा। समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो हेलो अबे तो आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का समझ रहे हो या अपने मन से? नहीं, माइटी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, अभी तुमको दिखा देंगे बाद। हटा दे भैया। यस सर, लिख लिया। यस सर। अच्छा ठीक है, तो बताया करो दोस्त। तुम लोग नहीं बताओगे तो हम एक बात बताओ यार, कब पढ़ाते? अगर कोई भी पढ़ा रहा है तुम्हारे लिए तो बता रहे हैं। तुमको लगे भाई अभी हमको लगता है एक बार बता चुके हैं इसलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। अगर ज्यादा वो होगा तो हम चल के अभी ब्लैंक पेजेस पे लिख देंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। नेक्स्ट वाला आंसर बताओ तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। सर ये मेटा पे लगेगा। अब जब माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप है तो पक्का मेटा लगेगा सर, ऑर्थो पे। हेलो, इन्होंने गड़बड़ बता दिया। चलिए हम एक काम करते हैं, आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, जनरलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, जनरलाइज ऐसे कर दे रहे हैं। देखो दोस्त, अबे कॉपी में लिखते जाना भाई। लो, जनरलाइज करने चल रहे हैं हम। तुम्हें चार क्वेश्चन दे रहे हैं, चार क्वेश्चन। देखो दोस्त, हम पहला क्वेश्चन तो ये दे रहे हैं, लिखो अपनी कॉपी में, लिखते रहना भाई चार क्वेश्चन, देखिए कौन कौन से हैं। हम एक काम करते हैं ऐसे, यहाँ पे पहले लगा देते हैं मिथाइल, मिथाइल जो कि प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप, ऐसे एम ई लगा देते हैं जो प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है, और यहाँ पे लगा देते हैं कोई हैलोजन, मान लो लगा देते हैं क्लोरीन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एम ई यहीं पर रख दिया हमने, डबल बॉन्ड अंदर तीनों अल्टरनेट रहेंगे, वैसे भी लगा दो। यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे लिख दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन और यहाँ पे लगा दिया एमी। इन तीनों की रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ। NaNH2 लिक्विड अमोनिया, इसमें क्या प्रोडक्ट बनाओगे? इसकी भी NaNH2 लिक्विड अमोनिया और इसकी भी NaNH2 लिक्विड अमोनिया। तीन क्वेश्चन तो ये हो गए। नेक्स्ट तीन क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि जहां पे एमई लगाया आपने उन जगह पे ओ एमई लगा देंगे, मतलब माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप लगा देंगे। तो माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप लगाओगे तो भाई एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे, और क्लोरीन ठीक है, मतलब क्लोरीन ऑर्थो मेटा पैरा पे, ऐसे ओ एमई मतलब माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप। एक बार क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, उससे कोई मतलब नहीं। और एक बार हमने नीचे अभी और लिखेंगे, क्लोरीन लगा दिया मेटा पे, एक बार लगा दिया पैरा पे। बताओ दोस्त, चलो तुम लोग बताओ। ए सुनो सुनो, सुन लो भैया एक एक बात और सुन लो हमारी, तुम लोग एक बात और सुन लो। तुम मेटा वाला प्रोडक्ट हटाए दो, मेटा में बड़ी कंफ्यूजन है, इसको हटा दो। कंफ्यूजन नहीं मतलब वो अननेसेसरी, ऑर्थो पैरा दो दो ही करके बताओ। बताओ दोस्त। सर पहले में सर ऑर्थो पे लगेगा सर, सीएल को हटा के। अच्छा अभी हम एक एक करके करवाते हैं। बाकी लोग दोस्त नहीं बताओगे? अरे बाकी मेरे दोस्त तुम लोग क्या करोगे? पहले वाले मेटा पे लग जाएगा। पहले वाले में बता रहे हैं मेटा पे, ये ओ एम ई हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है चलो, एम ई एम ई और ओ एम ई ऐसा ये लोग बता रहे हैं। ये चार क्वेश्चन पहले वाला ऑर्थो पे होगा। बहुत बढ़िया दोस्त। लो अब सब लोग एक आध दो उल्टा पुल्टा बता रहे हो कुछ, हमको लग रहा है। चलो हम बताते हैं। हाँ तुम लोग अपने हिसाब से सोच लो। बेंजाइन के चार क्वेश्चन हैं, जिसमें दो पे हमने मिथाइल लगाया है प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप और दो पे लगाया हमने माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप। तो एक काम करते हैं दोस्त, आप लोगों का मतलब कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का हल्का, काफी लोगों का सही है, मतलब एक आध का गड़बड़ है। हम एक काम करते हैं, इनकी बेंजाइन बना देते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग जब बेंजाइन बनाओगे
तो एच कहाँ से निकालोगे भाई? पहले वाले में एच निकालोगे जो रेड पेन से बना रहे हैं, यहाँ से एच निकालोगे। दूसरे वाले में से एच निकालोगे तो पक्का इस पोजीशन से एच निकालोगे। थर्ड वाले में से एच निकालोगे तो फिर इस पोजीशन से, जो हमारे हिसाब से थर्ड है उसमें बोल रहे हैं। हो सकता है आपने कॉपी में कुछ और तरीके लिखा हो। और ये जो हमने रेड पेन से एच बनाए हुए हैं वही तो एच निकालोगे भैया? अबे हेलोजन के बगल वाले कार्बन से ही तो एच निकालोगे। हाँ दोस्त, अब देखो जो हमने चार क्वेश्चन लिखे हैं तो एच निकालोगे तो हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, इन चारों के बेंजाइन बना देते हैं भाई। प्रोडक्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों के बेंजाइन हमने बना दिए। तो पहले का बेंजाइन जो आएगा, डबल बॉन्ड कहाँ लगा दे, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो और इधर पे एम ई कर दो। फर्स्ट वाले का बेंजाइन जो होगा वो एक ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लग जाएगा। सेकंड वाले के बेंजाइन पे आते हैं, सेकंड वाले का बेंजाइन जब बनाओगे तो अभी मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे एम ई है और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और सेकंड वाले का यहाँ पे आ जाएगा बेंजाइन। अभी आप लोग खुद बताओगे इसी में फाइनली आंसर। थर्ड वाले का बेंजाइन बना देते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप करो ना जिससे कोई कंफ्यूजन रहने ही ना पाए। थर्ड वाले में लेकिन ओ एम ई लगा हुआ है, ओ एम ई मतलब जिसका माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप है। थर्ड वाले में जब बेंजाइन बनाओगे तो हमारे अकॉर्डिंग जो थर्ड लिखा है, हो सकता है आपने इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया हो, यहाँ पे आएगा। और फोर्थ वाले में जो हमने फोर्थ लिखा है उसमें उसमें अगर आप बेंजाइन बनाओगे जो कि माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप है, तो उस जगह पे बेंजाइन जो आने वाला है वो ये आएगा। पहले तो ये बताओ क्या इन बेंजाइन्स में किसी को प्रॉब्लम है कोई? नो सर। नो सर। अब बहुत बढ़िया दोस्त। चेंज हो गई है भैया? सर जो पहला वाला है उसमें डबल बॉन्ड्स की अरेंजमेंट चेंज हो गई है सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे डबल बॉन्ड के अरेंजमेंट से क्या मतलब है हमको? और बेंजीन के अंदर तो वो दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है ना, तो क्लोरीन निकालने के लिए माइनस हटाओगे कहीं से? वो तो हमने जानबूझ के लिखा हुआ था उसको, जिससे आप आइडिया, आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बनता है, ये दोनों आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तुम बेंजीन के बाद वही केकुले वाले स्ट्रक्चर पे आ गए ना भाई, तीनों डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होते हैं, ऑल्टरनेट ही रहेंगे हमेशा, कुछ भी कर लो डबल बॉन्ड के पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जानबूझ के हमने वैसे लिखा था। इसको लेके कभी कंफ्यूज ना होना बच्चा, ठीक है? सर लेकिन मतलब जो पहला वाला स्ट्रक्चर उसमें अगर बेंजाइन के ट्रिपल बॉन्ड टाइप का बनेगा तो वो पैरा मेटा के बीच में बनेगा, और सर जो आपने रिएक्शन के बाद बनाया प्रोडक्ट उसमें जो बनेगा बेंजाइन के ट्रिपल बॉन्ड वो मेटा के बीच में अबे लो 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 लो, तुम इसको ऐसे चाह रहे हो ना, हम वहां पे कर दे रहे हैं। एक्चुअली कैसे भी हो, कैसे भी हो, जब बेंजाइन बनने जा रहा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाली स्टेट में ही वो सब आ जाते हैं, ऐसे लग जाते हैं। जब बेंजाइन बनने जाता है ना तो वो डबल बॉन्ड क्लोरीन वाले और उसके बगल वाले हाइड्रोजन के बीच में ही आ जाता है, जिससे कि बेंजाइन या ट्रिपल बॉन्ड वाली स्टेट ऐसे दिखे, ठीक है दोस्त? यस सर। उसमें हाँ, उसको जबरदस्ती ना करो, वैसे ही रहेगा वो। तो डबल बॉन्ड कैसा भी लगा हो, कैसा भी से क्या मतलब है, जैसे पहले लिखा था, अगर ऐसे लिखा है तब भी आंसर वही आएगा। अब एक बात बताओ दोस्त, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये चार एग्जाम्पल्स अगर देख लोगे तो आगे के सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब अमोनिया का अटैक कराना है एज न्यूक्लियोफाइल, तो अमोनिया का अटैक कराओगे जब सारे केसेस में अमोनिया, लो सारे केसेस में अमोनिया आके अटैक करने लगा, तो अमोनिया का जब अटैक कराओगे तो इस जगह पे अटैक कराओगे जिससे कि नेगेटिव चार्ज जो बने वो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज बने। तो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज अगर बनाना है तुमको तो नेगेटिव चार्ज वो तो प्लस आई माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप के बेसिस पे ही बनाओगे, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस तो नहीं करने वाला, रेजोनेंस नहीं करेगा क्योंकि बेंजीन में पहले से ही एरोमेटिसिटी है। तो तुम्हें क्या लग रहा है फर्स्ट वाले केस में अमोनिया का लोन पेयर कहाँ पे अटैक कराओगे, ऑर्थो पे अटैक कराओगे कि मेटा पे? सर मेटा पे। ऑर्थो ऑर्थो पे कराएंगे। ऑर्थो पे अटैक कराओगे तो बन जाएगा NH3+, और जो माइनस चार्ज आएगा, ठीक है NH3+ ये रह गया, डबल बॉन्ड टूट गया, तो माइनस चार्ज जो आएगा एक्चुअली में मेटा पे बनेगा, और माइनस चार्ज मेटा पे बनेगा तो मिथाइल जो प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप है उससे दूर है। दूसरे वाले केस में जब अटैक कराओगे तो माइनस चार्ज तुम पैरा पे बनाना शुरू करोगे या फेवर करोगे, क्योंकि पैरा पे मिथाइल के माइनस प्लस आई इफेक्ट से
वो काफी डिस्टेंस पे है। तो भाई नेगेटिव चार्ज को हम ये चाहते हैं कि जो प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप हो उससे दूर रहे, कि NH3+ हो जाएगा। थर्ड वाले केस में आप किस जगह पे अमोनिया का अटैक कराओगे? माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप है ओ एम ई, मेटा हाँ पे मेटा पे अटैक कराओगे, क्योंकि मेटा पे अटैक कराओगे तो जिससे कि, एक मिनट, मेटा पे अमोनिया का अटैक पैरा पे कराओगे, पैरा कराएंगे, पैरा पे कराएंगे भाई, पे हो मेटा क्योंकि कोडन। माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप है भैया, माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप है। तो मतलब ये हम ये चाहते हैं कि नेगेटिव चार्ज माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप के नजदीक बने, मतलब नियर बाय पोजिशन पे बनना चाहिए ना नेगेटिव चार्ज। तो हम उसको अटैक कराएंगे पैरा पोजिशन पे, क्योंकि मेटा पे फिर माइनस बनाएंगे, ऐसे बोलो, मेटा पे माइनस बनाएंगे। और लास्ट वाले केस में नेगेटिव चार्ज कहाँ पे? ऑर्थो पे बनाना प्रेफर करोगे नेगेटिव चार्ज? यस सर, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज बनाना प्रेफर करोगे अगर, तो इसका मतलब मेटा पे अमोनिया का तुमने अटैक कराया होगा। सर फोर्थ वाले में प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप नहीं लगेगा ओ एम ई का? प्लस एम नहीं लगता बच्चा, यहाँ पे माइनस आई प्लस आई से ही सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। अब जहां जहां नेगेटिव चार्ज है, जो NH3+ है वो अपना एक एच दे देगा इन लोगों को, तो उन जगह पे एच आ जाएंगे। तो इसको याद रखो, देखो जो नेगेटिव चार्ज है प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट उसकी बात इसमें नहीं होती है, क्योंकि दोस्त बेंजीन में एरोमेटिसिटी 6 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से ही डिलोकलाइज हो रहे हैं, उसके अंदर की कोई भी चीज इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज है। तो रेजोनेंस के इफेक्ट की वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहीं ना कहीं हमेशा इसके आसपास रहेगी। तो हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बेंजाइन मैकेनिज्म में सिर्फ प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट की वजह से देखते हैं। और अब ये चारों के चार आंसर जो आपको दिख रहे हैं, आप कोई भी प्लस आई इफेक्ट अगर वाला ग्रुप हो जाए तो एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 के तरीके ही होगा, और कोई माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप हो जाए तो एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 के तरीके होगा। बेंजाइन मैकेनिज्म में या एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सिर्फ माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट से देखी जाती है। तो ये चार कॉपी कर लो, और जहां जहां नेगेटिव चार्ज है बाद में जो NH3+ लिखा है, NH3+ से एक एच निकाल के उसी नेगेटिव चार्ज को दे देना, तो वो NH2 बन जाएगा, और जहां पे माइनस है वहां पे एच लग जाएगा। ये फाइनल मेजर प्रोडक्ट्स हैं, मेजर प्रोडक्ट्स। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे अमोनिया का अटैक दूसरी पोजीशन पे, तो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है भैया? ये हम अपने मन से नहीं, भी IIT वाले क्वेश्चन दिखाएंगे तुमको, हो जाएगा उससे। बताओ दोस्त, नहीं बताओगे? यस कॉपी सर कर लो इसको, इसको कॉपी कर लो, फिर हम चलते हैं पीछे। कॉपी कर लिए दोस्त? यस सर हो गया। यस सर, यस सर। हाँ बाद में एच बना लेना। एक अभी लोगों ने पूछा था डील्स अंडर रिएक्शन, जरा उसको ही बता देते हैं, कुछ रह गया हो किसी से तो बता देना, हम अभी ऊपर दिखा देते। डील्स अंडर भी लगे हाथ देख के लो, बहुत दिन से तुमको, 2-3 दिन पूछे लोग वो हाइड्रोकार्बन करने में। देखे डील्स अल्डर रिएक्शन, इसको 4+2 साइक्लो एडिशन भी बोलते हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन ऐसे भी बोला जाता है, 4+2 साइक्लो एडिशन। देखो दोस्त, 4+2 साइक्लो एडिशन क्या होता है इसमें? जैसे हम लोग बोल दें आपसे कि आपके पास ये है 1,3-ब्यूटाडाईन, सपोज करो 1,3-ब्यूटाडाईन बोलते हैं इसको, और साथ में लिखा है आपके पास कोई एल्कीन इथीन, 4+2 साइक्लो एडिशन बोल रहे हैं। ये है 1,3-ब्यूटाडाईन, इसको हमने आपको एल्कीन में बताया होगा, इसकी रिएक्शंस भी कराई थी ना, अब एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट में नहीं कराए हैं। यस सर, और दूसरी है इथीन, बोलते हैं इसकी रिएक्शन कराओ, थोड़ी सी हीट करने पे ही होती है रिएक्शन, अपने आप नहीं होती है, हीट करना पड़ता है, हीट स्लाइटली करते हैं हम लोग। तो क्या होता है, हीट करने से बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड टूटेंगे कुछ बॉन्ड बनेंगे, जो भी है हीट करने से। तो कोई बोले सर क्या हो रहा है,
हीट करने से क्या होगा, ये तो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेंगे, यही तो होगा दोस्त, टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? यस सर। हाँ, तो इसमें बोलते हैं जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बन जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, ऐसे एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, बस बोलते हैं लो भाई ये क्या हो गया, और एक डबल बॉन्ड यहाँ किनारे आ जाता है, मतलब बोलते हैं ये कैसे हो गया। तो इसकी ट्रिक जो होती है वो देखो, ट्रिक या शॉर्टकट, वैसे होमोलिटिक क्लीवेज होती है इसमें, लेकिन इसका हम हेटरोलिटिक क्लीवेज के तरीके आंसर बता रहे हैं, आंसर होमोलिटिक से भी आ ही जाएगा। ट्रिक हेलो हेलो हेलो, यस आवाज आ रही है हमारे? यस सर, भाई यस सर। अच्छा अच्छा बीच में यार कुछ लग रहा, नेटवर्क बहुत समस्या कर रहा है। रुक जाओ दोस्त, एक मिनट, शुरू कर रहे हैं। देखिए चुप पड़ा रहे थे, फिर वहीं पे चलते हैं। ठंडी बहुत हो गई है ना यार, इसलिए ऐसा हो रहा है, नेटवर्क को भी ठंडी लगी। स्क्रीन दिख रही है दोस्त अभी, बताओ? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ चलिए, देखिए देखिए देखिए, एक चीज गड़बड़ हो गया था, अभी बता रहे हैं आपको। ये नेगेटिव चार्ज, एक पाई बॉन्ड टूट गया, फिर उसके चक्कर में दूसरा वाला भी पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो एक बात बताओ, जो 1,3-ब्यूटाडाइन था उसके टर्मिनल्स पे क्या क्या आ गया दोस्त, पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया है? अरे 1,3-ब्यूटाडाइन के टर्मिनल्स पे, बताओ बे। यस सर, यस सर। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के टर्मिनल पे जब आ गया, तो ये आके ऐसे अटैक करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो आके इस पे, सॉरी दूसरे वाले पे अटैक करेगा यहाँ पे, तो वहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये इधर टूट जाएगा और ये इधर कंबाइन कर जाएगा। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये तो पहले हम इस पे आते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन वाले सेगमेंट पे, डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा 1,3-ब्यूटाडाइन में? इस टाइम डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, बीच वाले पोजीशन पे आएगा? बीच वाले, यस सर, बीच वाले, बीच वाले पे आना चाहिए, बीच वाले पे आएगा। और किनारे जो लिखा था आपने, किनारे की तरफ जो इथीन लिखा था, इथीन, क्या वो इथीन वाले सेगमेंट में एक नया डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया, सॉरी सिंगल बॉन्ड, ऐसे और ऐसे और ऐसे लिखा जाएगा, बताओ दोस्त? नहीं बताओगे? यस सर, यस सर। हाँ, ये ऊपर हमने एक डबल बॉन्ड अननेसेसरी लगा दिया था, तो ये क्या आपको समझ में आ रहा है? तो साइक्लोहेक्सीन बन गया, साइक्लोहेक्सीन। अरे भैया साइक्लोहेक्सीन है ये, इस पर्टिकुलर एग्जांपल से। यस सर, यस सर, साइक्लोहेक्सीन।
तो हो क्या रहा है इसमें कि 4+2 साइक्लो एडिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 कार्बन पहले और 2 कार्बन बाद में, तो ये 4 और 2 मिलके 6 कार्बन की रिंग बना रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन। ऑल्दो होती है होमोलिटिक मैनर में है, ये रिएक्शन होती होमोलिटिक मैनर में है, लेकिन बताते हैं हेटरोलिटिक मैनर में है। थोड़ा लोगों को ईजी लगता है कि भाई ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया सब। पहले सबसे पहले शुरुआत रेड वाले करते हैं, शुरुआत रेड वाले करते हैं वे, मतलब रेड वाले पाई बॉन्ड 1,3-ब्यूटाडाइन अपने आप को पहले ब्रेक करता है, तो ब्रेक करता है तो ये इस तरीके रेड वाला ब्लैक वाला जो सेगमेंट बना रहे हैं, ब्लैक वाला सेगमेंट ये ऐसे ब्लैक पेन से, एक रेड से डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। और जो इथीन लिखा था आपने, इथीन भी अपने पाई बॉन्ड को तोड़ के इन दोनों को ज्वाइन कर देता है। कुछ समझ में आ रहा है 4+2 साइक्लो एडिशन? बताओ दोस्त। यस यस यस। इसी को बोलते हैं डील्सल्डर रिएक्शन। कोई बोले अच्छा सर अगर हम इसी में कुछ छेड़छाड़ कर दें तो क्या होगा? छेड़छाड़ कर दिया जाए तो हम आगे चेंज करने जा रहे हैं। इसे कॉपी कर चुके हो? हम क्वेश्चन कई लिखेंगे ढेर सारे, बताओ कॉपी कर चुके हो बच्चा? बस तुम्हें डबल बॉन्ड तोड़ तोड़ के ऐसे इधर ब्रेक करो एक तरफ, चाहे क्लॉकवाइज करना चाहे एंटी क्लॉकवाइज, एक ही तरफ भागना, मतलब चाहे क्लॉकवाइज सारे के सारे तोड़ दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज तोड़ दो, ये हो जाएगा 4+2 साइक्लो एडिशन। आप कोई बोले सर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उसका आंसर बताइए। आंसर ये है हमारा कि 1,3-ब्यूटाडाइन को हमने थोड़ा दूसरे तरीके लिख दिया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और लो यहाँ पे लगा दिया हमने मिथाइल, मिथाइल लगा दिया, और साथ में लगा दिया हमने इथीन, ये इथीन है। बताओ इसको हीट करेंगे क्या बनेगा प्रोडक्ट? बताओ मैं सबन मिथाइल बिल्कुल। तो क्या ये पहले जो लेफ्ट वाला 1,3-ब्यूटाडाइन वाला सेगमेंट है वहां डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाता है? मिडिल बीच में आ जाएगा, मिडिल में, ये मिडिल में, यहाँ पे रहेगा मिथाइल और इसके दोनों टर्मिनल्स पे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो भैया जब टर्मिनल पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो क्या इससे जुड़ जाएगा? ये यही तो बनेगा प्रोडक्ट फाइनली। ले यार नहीं बता रहा। यस यस बिल्कुल सही दोस्त। अच्छा चलिए फिर देखिए, कोई बोले सर हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये ऐसे यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया हमने कोई आर ग्रुप, और इस जगह पे लगा दिया हमने ट्रिपल बॉन्ड जो इथाइन, इथाइन है ये, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ दोस्त? तो 1,3-ब्यूटाडाइन वाला सेगमेंट जो बनाओगे वो तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे आर, बहुत बढ़िया दोस्त। और ये ऐसे होके एक डबल बॉन्ड बचा रह जाएगा वहां पे? यस सर, यस सर, हाँ एक डबल बॉन्ड की पोजीशन तो बची ही रह जाएगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था वो, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया तो बचेगा डबल बॉन्ड। ये ऊपर अभी भी मैकेनिज्म लिखी है, देख लो ध्यान से, ठीक है बच्चा? यस सर, वाला कुछ आपको समझ में आ रहा है बता देना भैया, नहीं तो फिर कैसे चलेगा आगे बताएं डील्सल्डर में ट्रिक। यस सर। हाँ चलिए देखिए फिर नेक्स्ट, देखिए ऐसा हो गया तो आगे वाली चीजें देखो। कोई बोले सर एक बात बताइए, हम थोड़ी साइक्लिक चीजें बता देते हैं, साइक्लिक बता दे। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, फिर रुक जाओ ओपन चेन रहने दो। यहाँ पे डबल बॉन्ड पर 1,3-ब्यूटाडाइन है ऐसे, और यहाँ पे लगा दिया हमने कोई R, और साथ में हमने कर दिया यहाँ पे ऐसे ME और ME, ऐसे लगा दिया ME और ME, है ना, जैसे 2-ब्यूटीन है कोई 2-ब्यूटीन। बताओ इसमें क्या बनाओगे प्रोडक्ट? 2-ब्यूटीन की रिएक्शन करा दिया, 2-ब्यूटीन 1,3-ब्यूटाडाइन, चलो बताओ। हेलो आवाज आ रही है भैया हमारी? हेलो हेलो यस सर। तो लेफ्ट वाली चीजें क्या बनाओगे? लेफ्ट वाले डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, आर इस पोजीशन पे, दोनों टर्मिनल्स पे पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरे साइड क्या करोगे मेरे भाई?
सर दो एम ही लग जाएंगे, थ्री कॉमा ये फोर सर दो एम ही लग जाएंगे, थ्री कॉमा फोर का मिथाइल और मिथाइल आएगा, यही बनेगा। यस यस सर यस सर यस सर। अबे तो 4+2 साइक्लो एडिशन में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हो रही? कुछ समझ कुछ कुछ समझ में आ रहा है अभी? काफी कुछ आ रहा होगा वैसे। यस सर आ गया, यस सर आ यस गया, सर आ गया, यस सर आ गया। हाँ अभी और देखो, अब फिर वैरायटी एक साथ और देख लो। अब क्या होता है, कभी कभी तुमसे पूछेगा कि भैया लो हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, एक हमने ले ली साइकिल, नहीं 1,3-ब्यूटाडाइन ऐसे करके और यहाँ पे लगा दी साइकिल लो, जिसको हम लोग कुछ बोल सकते हैं, और दूसरा बना दिया लो ये। अब बताओ इसको हीट किया क्या बनाओगे? साइकिल है ये पहली वाली, लेकिन 1,3-ब्यूटाडाइन इन टाइप से सेगमेंट दिख रहा है उसमें बे, सेगमेंट दिख रहा है साले कि नहीं दिख रहा है? हाँ तो दिख रहा है, तो एक काम करो तुम बोलोगे सर हमको लग रहा है ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ठीक है हम बोल सकते हैं उसमें जो भी है, तो ये आ जाएगा। एक और चीज अभी रुक जाओ, छह हाँ बनाने की कोशिश करो तुम लोग, हम बताते हैं ना, हम समझाते हैं कैसे बनेगा। ये हो गया, और ब्लू पेन से बना देते हैं हम दूसरा वाला ये, लेकिन तुमको लग रहा होगा सर एक इसके अंदर और भी तो छोटा सा था, ये ट्रिपल ये ऐसे भी तो रहा होगा बीच में, बताओ। ये वाला सेगमेंट समझ रहा हूँ, कौन सा सेगमेंट है? ये थिक्स जो हम लिख रहे हैं, थिक्स रेड वाला, यही तो था। तो ऐसे तो बड़ा अजीब हो जाएगा लिखना, तो जानते हैं इसको कैसे लिखते हैं? जब ऐसे 22 साइक्लो कंपाउंड होता है, इसको लिखने का ये तरीका होता है, 6 मेंबर की रिंग को ये लिखा जाता है ऐसे, 6 मेंबर की रिंग को ऐसे लिखने का ट्रेंड है 22 साइक्लो कंपाउंड में, और उसके ऊपर 3 मेंबर की रिंग को ऐसे चढ़ा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड। देखो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, किसी को कोई समस्या इसमें? ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं। बताओ भैया, अबे किसी को प्रॉब्लम है इसमें? ये जो हम दूसरे रिंग बना रहे हैं, नो सर, ठीक है, ये हमने थिक से दिखाया हुआ है, थिक पेन से, इसका मतलब है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ये जो ब्लू वाला जो दिखाया है एक तरह से इससे जैसे कॉपी के प्लेन से उठा हुआ टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, उसी को हमने रेड पेन से वहां बनाया, बताइए। ठीक है दोस्त, हो गया ये, आगे बताएं? नहीं बताओगे दोस्त तो कैसे जान पाएंगे? कोई बोले अच्छा सर आप इतना खतरनाक बता रहे हो, तो हम एक काम करते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन ऐसे ही रहने देते हैं सपोज करिए, और साथ में बना देते हैं ये और ये। अब बताओ अब क्या बनाओगे? अबे 4+2 साइक्लो एडिशन तो होगा ही, तो 6 मेंबर की रिंग तो आएगी ही सर, दोनों रिंग जुड़ जाएंगी, दोनों रिंग जुड़ जाएंगी 6 मेंबर की। हाँ तो एक तो ये हो गया सेगमेंट, ये 1,3-ब्यूटाडाइन वाला सेगमेंट हो गया ऐसे, और ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, और दूसरी वाली रिंग क्या ऐसे 6 मेंबर हो जाएगी, और उसके साथ एक और ऐसे रिंग रहेगी जो कि 5 मेंबर है। बताओ भैया यही तो बनेगा? यस सर। हाँ तो इसमें कौन सा नया आ गया? अच्छा किसी को डाउट तो नहीं इसमें? हम फिर से तोड़ना फोड़ना दिखा दे क्या? अरे इसको इधर तोड़ोगे, इसको इधर तोड़ोगे, ये इसको इधर अटैक कराओगे, इसको इधर तोड़ोगे, इसको इधर अटैक कराओगे, ये तो बनेगा? अरे यस सर दिख रहा है सर, पेन वन कलर वालर ठीक है, समझ में आ जाता है? यस सर। हाँ तो एक काम करो और थोड़ा सा एक आध डिफिकल्ट टेढ़ा मेढ़ा देख लो, मतलब ये हो कि दोबारा फिर कभी पूछो ना सर हम कि सर ये डील सेल्डर क्या होता है, हम तुम्हें लिख देते हैं सर साइक्लो, एक मिनट है, हेक्सीन टाइप से पहले ही लो साइक्लो हेक्सीन लिख दिया हमने, ये और एक और लिख दिया हमने ये। कोई बोले इन दोनों को हीट करें बताओ क्या बनेगा? ऐसे लिखते तो आदमी परेशान हो जाएगा। अभी तुम मान लो डील सेल्डर ना जानते हो,
ये देख के तुम घबरा जाओगे, बोलोगे क्या करें भाई, अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, लॉजिकल सा लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। लेकिन अब क्या बनाओगे, डील सलदार पढ़ चुके हो ना वे, ये जो कर रहे हो ना तुम लोग साले, बताते नहीं, बहु मारेंगे बेटा। सर दो वीडियो आपकी देर में आई, आपकी देर में आई, आपकी वॉइस पहले आती है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई भैया नेटवर्क वालों से। हाँ चलो, इसमें इसमें प्रोडक्ट होपफुली बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। पहले तो हम एक तरीका ये अपने तरीके बना देते, मतलब पहले नॉर्मल तरीका जो लोगों को लगता है कि भैया 1,3-ब्यूटाडाइन वाला सेगमेंट ऐसे होगा और दूसरा वाला उसके साथ में सेगमेंट एक लग जाएगा साइक्लोहेक्सीन वाला ऐसे, और इसके साथ एक और अभी साइकिल तो रहेगी, और 1,3-ब्यूटाडाइन वाले सेगमेंट का एक अभी ऐसे ऐसे ऐसे। ए यार क्या हो रहा है बताओ दोस्त, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा कचरा टाइप। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यही आ रहा है। लेकिन अब इसको हमने बोला जब 6 मेंबर की रिंग होती है, मतलब तो उनको बाई साइक्लो कंपाउंड्स, तो उनके लिए 6 मेंबर की रिंग को लिखने का ये होता है, एक दिन नंबर ऑफ अनसैचुरेशन या आइसोमेरिज्म में इसको पढ़ा चुके हैं। 6 मेंबर की रिंग ऐसे लिखी जाती है, ये हो गई 6 मेंबर की रिंग। अब इस 6 मेंबर की रिंग पे अगर आप देखोगे तो दो और चढ़ी हुई है ऐसे ऐसे ऐसे, जो थिक से लिख रहे हैं वो थिक वाले को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये ऐसे और ऐसे। अब रही बात वो जो ब्लू पेन से बनाया है, ब्लू पेन से बनाने वाले को ऐसे लिखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बताओ दोस्त कोई समस्या तो नहीं किसी को? नो सर, नो सर। तो अच्छा, डबल बॉन्ड एक छूट गया इस जगह पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड। अब बताओ भैया किसी को प्रॉब्लम कोई? नो सर, नो सर। डील सेल्डर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर ये आप समझ रहे हो 4+2 साइक्लो एडिशन, तो ये रिएक्शन हो गई। और भी एक आध केसेस देख लो, कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो। कोई बोले सर हमारे पास ये होता है फ्यूरॉन टाइप से, यहाँ पे लगा ऑक्सीजन, यहाँ पे लगा ये, यहाँ पे लगा ये, और फ्यूरॉन की रिएक्शन हम करवा दें सपोज करो इससे, ये इससे करवा दें, मान लो इसकी रिएक्शन ठीक है, इससे करवा देते हैं। डील सल्डर करानी है, बताओ क्या बनेगा फ्यूरॉन की रिएक्शन में? अब डील सेल्डर अगर जानते हो तो भाई 1,3-ब्यूटाडाइन वाला सेगमेंट पहले देख रहे हो, उसकी रिएक्शन आप करवा दो। अबे तो क्या इसमें हम ऐसे एक 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे और इस 6 मेंबर की रिंग पे ऐसे एक ऑक्सीजन लगा देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, और यहाँ पे ऐसे 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 बना देंगे। बताओ भैया। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ तो ये सबको समझ में आ गया दोस्त, आगे बताएं भैया, हो जाएगा इतना? यस यस ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, डील सेल्डर वाइंड अप फिनिश। ये लिखा है सल्फर, थायोफीन बोलते हैं इसको, प्लस ये लिखा है डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल ऐसे, इसकी रिएक्शन करवा दो डील सल्डर टाइप से। बताओ दोस्त
आवाज आ रही भैया हमारी, नेटवर्क इश्यू तो नहीं कर रहा है अभी। हेलो हेलो, ये सर आ रही है। अच्छा, तो डील्स अल्डर में ये ऐसे बनाओगे, यहाँ पे आ जाएगा सल्फर, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इन जगहों पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और ऐसे ओ। इसमें किसी को प्रॉब्लम? यस सर। नो सर, नो सर। हाँ चलो, बहुत बढ़िया दोस्त। ये हो गया डील्स अल्डर रिएक्शन। कॉपी कर चुके हो? कोई डाउट, किसी को कुछ कॉपी करना हो कहीं पे? नो सर। हम इसको हटा रहे हैं, फिर चल रहे हैं शीट कराने, ठीक है भैया? यस सर। चलिए देखिए, हम कह रहे थे आपसे, कहाँ थे, यहाँ कहीं थे, क्वेश्चन नंबर 11। अब तो समझ जाओगे 11 वाले में क्या है। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है ये, तो साफ साफ लिखा है ए मेजर प्रोडक्ट। नाम ही तुम्हें समझ में आ रहा है, ए वाले का एलिमिनेशन एडिशन बेंजाइन रिएक्शन पढ़ाए थे, ए पार्ट हो जाएगा इसमें 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में ए पार्ट हो जाएगा ना, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है भाई, क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन निकलने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बनता है वो रीअरेंज भी तो कर सकता है मेरे दोस्त। बी होगा, बी हो जाएगा। आंसर बी होगा, गलत है बी वाला, जो लोग बी बता रहे हो गलत बता रहे हो, आंसर इसका बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए पार्ट। ए होगा सर, ए होगा सर, बी नहीं। एक मिनट, ए भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलो कार्बो देख लो तुम लोग, पहले कार्बोकैटायन कौन सा बनाओगे? अरे ये लीनियर कार्बोकैटायन है भैया, सी 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 ऐसे, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, रीअरेंज करेगा हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू, तो ये बनेगा सी 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 सी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हाइड्राइड शिफ्ट, और बेंजीन पे यही लग जाएगा, तो बेंजीन पे जब लगाओगे तो ये बनेगा सी, उसके बगल एक सी, और ये कहाँ है, किसी ऑप्शन में है ये? नो सर, पहुंचे आंसर। ऐसे एग्जाम में गलती करते हैं लोग, और फिर घर पे आके लगेगा अरे गलती हो गई, सिली हो गया। कार्बोकैटायन बनाना है भैया, कार्बोकैटायन बना के रीअरेंज कराना है। ए बी देखो, बी वाला ऑप्शन बना सकते थे, हमने मना नहीं किया है, लेकिन अगर रीअरेंज कराते कराते वो वाला कार्बोकैटायन बनता तो कार्बोकैटायन 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया, उसके बाद फर्दर वो जितना स्टेबल हो सकता था वो हो चुका है, अब कुछ स्टेबल नहीं हो सकता, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट यही होके यही पहुंच जाएगा। अरे समझ में तो आ रहा है दोस्त आंसर? यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाले पे 13 पे आ जाओ, C6H6, उस पे फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन कराया गया, तो असाइलेशन रिएक्शन कराओगे तो जो ए बनेगा, ए क्या वो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री बनेगा? यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। इसकी क्लेमेंसन रिडक्शन कराओगे, क्लेमेंसन, तो क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल बेंजीन। बहुत बढ़िया दोस्त, ये बन जाएगा पीएच सीएच टू सीएच थ्री। अरे क्लेमेंसन और वुल्फ किशनर पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को, ठीक है दोस्त? यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। चलिए नेक्स्ट वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके पास शीट नहीं है लेकिन हम तो करा रहे हैं ना, मान लो एग्जाम दे रहे हो तुम, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड, तो एक आप करो पढ़ लिया करो, हमको लग रहा है थोड़ा जल्दी बोल दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लो इसको। सर बी ऑप्शन, सर बी ऑप्शन। अच्छा बी ऑप्शन, बोले C6H6 लिखा है, उसकी ए से रिएक्शन कराई अनहाइड्रस ClCl3 में, तो बन गया ये। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन लग रहा है तुम्हें, ऑप्शन कौन सा लग रहा है? AlCl3 किसी क्लोरीन या ब्रोमीन को खींचेगा, तो वो तो आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, क्योंकि AlCl3 को
क्लोरीन या ब्रोमीन चाहिए तो आंसर बी एडी में है कोई, लेकिन जो प्रोडक्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर बी है। किसी को प्रॉब्लम बी वाले में, मतलब सबको समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन और फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। फॉर्माइलेशन का मतलब है CHO ग्रुप का लगना, एसिटाइलेशन का मतलब है CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप का लगना, सल्फोनेशन का मतलब है SO3H का लगना। बोला है इलेक्ट्रोफाइल्स कौन कौन से इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल लिए जाएंगे, बताओ अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? अबे सल्फोनेशन में SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, तो आंसर या तो बी है या तो सी है। सल्फोनेशन में बताए हैं कि द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन सल्फोनेशन इज न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल कब हमने बता दिया था कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे दिख रहा है भैया, बी में या सी में? लेकिन अभी एसिटाइलेशन की बात कर रहा है, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O लगाना है, तो CH3C डबल बॉन्ड O लगाने के लिए तुम्हारे पास वैसा इलेक्ट्रोफाइल भी तो होना चाहिए, और है तुम्हारे पास। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास ये था CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक कर दिया, CH3 या सी ट्रिपल बॉन्ड O प्लस दिया हुआ है, ठीक है भैया बताओ दोस्त? यस सर। तो बताओ, तो आंसर कौन सा लग रहा है? बी वाला सेकंड वाला। फॉर्मुलेशन की बात करते हैं जब हम लोग, तो फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि CHO ग्रुप लगता है ना, CHO, तो CH डबल बॉन्ड O ये फॉर्माइल ग्रुप होता है, तो इस पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे तभी तो फॉर्मेलेशन हो पाएगा। यस सर। हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए दोस्त, नेक्स्ट आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 16 बताओ, तीन बताओगे? हाँ पढ़ लो, हमने कब मना किया, अभी और लोगों को भी पढ़ने दो। आंसर मान लो एग्जाम में आ जाए, तुम क्या करोगे, ऐसे बैठ के सोचते रहोगे क्या? बी वाला पैरा नाइट्रो टॉलवीन ऑन फर्दर नाइट्रेशन। फर्दर नाइट्रेशन का मतलब क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता है कि तुम्हारे पास जो पैरा नाइट्रो टॉलवीन लिखा है उसको तो लिखो पहले। अरे पैरा पे NO2 लिखा है, ऊपर लिखा है CH3, बोला फर्दर NO2 ग्रुप ऐड करना चाहते हो, तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगेगा? पैरा तो पहले से ही ब्लॉक है, क्या ऑर्थो पे लगेगा ये पोजीशन? ए होगा सर, ए होगा। तो उसके हिसाब से आंसर ए पार्ट हो जाएगा दोस्त। हेलो बाकी लोग, भैया नहीं बताओगे? यस सर। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज इज एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम एंथैल्पी, मतलब हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। हमने आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स जब बताए थे तो इसी में से बताया था, ऐसे देखो ई, फिर पहले इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स कुछ अपना इधर उधर करके, बताओ दोस्त। देखो फर्स्ट और फाइव तो मोर स्टेबल स्टेट में है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर तुमको दिए हुए मान लो या कुछ भी दिए हुए, तो फर्स्ट और फाइव तो मोर स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है रादर, मिनिमम एनर्जी स्टेट में होता है ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। सर थ्री वाला, एक लोग बता रहे हैं थ्री वाला, और बताओ दोस्त कोई? किसी को टू नहीं लग रहा है, हम पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता, हम बस तुम लोगों से कह रहे हैं, तुम लोग बताओगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो बताओगे सेकंड वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला। देखो दोस्त, थर्ड वाला तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो वो तो स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बाकी वाले, मतलब देखो है ना,
अब जैसे सेकेंड और फोर की बात करोगे, आंसर इन्हीं में से होगा। अब मैक्सिमम एंथैल्पी का मतलब ये होता है जब पाई बॉन्ड टूट रहा होता है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा होता है, तो स्लो स्टेप कौन सा होता है? स्लोवेस्ट स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट स्टेप होता है जब पाई बॉन्ड टूट रहा होता है, इलेक्ट्रोफाइल जस्ट ऐड हो रहा होता है। तो जस्ट ऐड हो रहा होता है तो ये TS1 होता है, ट्रांजिशन स्टेट 1। जरा रिमाइंड करो आप लोग, हमने TS1 और TS2 बताया था। TS1 ये है और TS2 ये है। अब ये सब अगर आपने लेक्चर नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ा होगा या क्लास में, तो कैसे पहचान पाओगे TS1 TS2? और ये होता था आई, आई बोले तो इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स ओवर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट TS1 TS2। तो TS1 एक्चुअली में ज्यादा एनर्जी स्टेट में होता है जिसकी एंथैल्पी मैक्सिमम होती है, क्योंकि पहला स्टेप ही तो स्लो स्टेप आता है दोस्त। बताओ दोस्त, समझ में आ रहा है भैया? पहला स्टेप स्लो स्टेप, स्टेप वन तो देख लो। यस सर, पहले ही लेक्चर में वो यस सर। अच्छा, डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 18 19 जल्दी बता दो, फिर हम आगे बढ़े। एक मिनट में दोनों हो जाने चाहिए। 18 और 19 लिखा है कि नाइट्रेशन हो रहा है, नाइट्रेशन सर। ए सर, ए हाँ, तो ए पार्ट लिखा है इन्होंने, ऐसा इन्होंने कहा। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, नाइट्रेट तुम लोग जो बता रहे हो कि ए पार्ट है, जरा एक बार सोच लो। हाँ, ये जो उल्टा पुल्टा तुम लोग बताते हो ए बी सी डी, इसके लिए पहले क्या है कि तुम लेक्चर नोट्स अगर देख लेते तो ये गलती नहीं करते। नाइट्रेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगता है, इसका आंसर आएगा सी। सल्फोनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है, इसलिए उसका आंसर ए आएगा। कुछ याद आ रहा है भैया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में? yes, पढ़ाए yes, कभी क्वेश्चन yes, तो कर लिया yes, करो मेरे दोस्त। आइसोटोपिक इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन ओनली। बाकी वाले केसेस में बेंजीन हो, एक्सा ड्यूटेरियो बेंजीन हो, एक्सा ट्रीटियो बेंजीन हो, कोई रेट नहीं हो, कोई स्पीड या रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफर नहीं करेगी। रेट या स्पीड या रेट कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट अगर नाइट्रेशन हैलोजनेशन इन सब में आओगे तो कोई डिफर नहीं करता है, सिर्फ डिफर करता है तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में, क्योंकि सल्फोनेशन में सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप होता है। बताओ बच्चा, क्लियर हो रहा है? ये समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो हटा दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट स्टेबल। अब देखिए चार के चारों कार्बोकैटायन है, सुनो। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की जब स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो देखते हैं भैया कि कार्बो मतलब कार्बोकैटायन है तो चारों कार्बोकैटायन में आप देख लो मोस्ट स्टेबल पूछा है। कौन सा बता रहे हो भाई और क्यों बता रहे हो? बहुत बढ़िया, सही वाला नहीं नहीं अब इनके हिसाब से जो ये बता रहे हैं वो सही है। रीजन ये है दोस्त इसका कि वाई ग्रुप कुछ भी लगा हो, पॉजिटिव चार्ज बाकी सब में 2 डिग्री है। यहाँ भी 2 डिग्री, मतलब ए सी डी में देखो 2 डिग्री है और बी वाले में पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में 3 डिग्री हो गया है। कोई बोले सर पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, मतलब देखो ये कंट्रीब्यूटिंग है, इनको रेजोनेंस नहीं करवाना है तुम्हें, लोकलाइज्ड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर दिए हैं उन्हीं की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो लोकलाइज्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर ऑब्वियसली, ये ना बोलो कि रेजोनेंस कराएंगे, कोई रेजोनेंस कराओगे तो हो सकता है घूम फिर के सब एक ही स्ट्रक्चर आ जाए। तो जो लोकलाइज्ड फॉर्म में ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं उनमें स्टेबिलिटी सेकेंड वाले की हाइएस्ट होगी, क्योंकि वो 3 डिग्री है, बाकी सभी 2 डिग्री है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 प्लस आई भी देख लो, तब भी तो मिथाइल का प्लस आई ज्यादा लगेगा बच्चा। वैसे मिथाइल का प्लस आई एकदम खोपड़ी पर रखा हुआ है, 3 डिग्री भी तो वही होता है। चलो 21 के बारे में बताओ, फिर लोकलाइज्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर है हाईली अनस्टेबल, तो सी वाला बी स्टेबल बता रहे हैं लोग। हम बोल रहे हैं हाईली अनस्टेबल ए और सी है, क्योंकि वो तो NO2 की खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज बना है और NO2 में नाइट्रोजन के ऊपर भी प्लस होता है, तो ए और सी तो हाईली 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 अनस्टेबल है। आंसर या तो बी है या तो डी है। अब बी और डी में NO2 से पॉजिटिव चार्ज अगर दूर होता है, दूर देखो बी और डी में दोनों ही 2 डिग्री कार्बोकैटायन है,
और लास्ट वाले ऑप्शन में NO2 से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, इसलिए आंसर लास्ट वाला ऑप्शन होगा। सी वाले ऑप्शन में, सॉरी बी वाले ऑप्शन में NO2 से थोड़ा नजदीक है, ये सब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो भैया? हेलो, यस यस आवाज आ रही सर, दोस्त? यस सर। हाँ, तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि प्रॉब्लम, अगर ये क्लियर हो रहा है भैया फिर ये सी वाला, कोई डाउट इसमें किसी को? नो तो सर, आंसर नो डी सर, 22 SO3 रिएक्शन की इजियर है किसके साथ? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाने जा रहे हो, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी पकड़ लेगा, या बेंजीन के साथ उसने लिखा हुआ है कोई चीज टॉलोइन इजिली इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ लेगा, या सी वाला ऑप्शन लिखा है नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को इजिली पकड़ लेगा, या डी वाला लिखा है क्लोरोबेंजीन इसको पकड़ लेगा, या इन सब में रेट बताओ कौन सबसे इजिली पकड़ लेगा ABCD में। सर बी वाला, सर बी नाइट्रो वाला, नाइट्रो नाइट्रो वाला नहीं पकड़ेगा। देखो SO3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल जब जाता है तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होगी, या न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड होगा, उतना इजिली वो पकड़ लेगा भैया, बताओ दोस्त। तो आंसर इसमें बी वाला हाईएस्ट है, बी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, फिर है सर बी वाले में, ए और ऑर्थो बी पे वाले में जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा। ऑर्थो पैरा कहीं जाएगा, हाँ ऑर्थो मेजर आएगा, बी ए डी और सी। अरे ईएएस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बताए थे इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो जाके अटैक करता है, अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा भैया बेंजीन पे, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो CH3 का प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगता है, प्लस एच और प्लस आई लगता है, NO2 तो बड़ा गंदा है, माइनस एम भी लगता है माइनस आई भी लगता है, क्लोरीन में लगता तो प्लस एम है लेकिन ओवरऑल माइनस आई डोमिनेट करता है, क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, प्लस एम इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज बनाएगा लेकिन स्लाइटली डीएक्टिवेट कर देता है ना बेंजीन रिंग को। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर, यस सर, यस सर, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा आंसर? 22 का समझ में आया आपको, बी ए डी सी? यस सर, यस सर, चलो 23 बताओ, 23 बहुत सोचते हो गए तुम लोग, 23 बताओ। सरे सर ऑप्शन, बी, सरे सर ऑप्शन। बी। अच्छा ये भी बता रहे हो तुम लोग, लिखा है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टू रिंग मोनोब्रोमिनेशन, मतलब रिंग पे एक ब्रोमीन लगाना है, तो रिंग पे एक ब्रोमीन लगाना है मतलब इलेक्ट्रोफाइल एडिशन करना है, तो तुम CH3 लगाए हो तब ज्यादा होगा CH3, या कोई बोले COOH लगाए हो जो कि माइनस एम माइनस आई इफेक्ट होता है, या कोई बोले सिर्फ बेंजीन है और कोई बोले NO2 है, NO2 तो फिर वही बहुत बदतमीज है, इसमें ये माइनस एम सब भी माइनस होगा, आई ये सब भी होगा। NO2 है, ठीक है बेकार है। तो आंसर इसमें जो पूछा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, ए, फिर क्या है सी, तो ए और सी का मतलब ये है कि भैया आंसर इसका अब एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन, क्लियर है भैया? यस सर, यस सर, यस यस सर, यस सर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, अब इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन की टेंडेंसी उसने बोला रिंग मोनोब्रोमिनेशन, मतलब Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है, अब Br प्लस आ रहा है, अरे बेंजीन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोफाइल ही आके अटैक करता है भैया। 24 के बारे में क्या ख्याल है? डी डी ऑप्शन, भैया मेटा डायरेक्टर पूछा है ना उसने, मेटा प्रोडक्ट कहाँ पे होगा भाई? अगर ए ऑप्शन देखोगे तो
ए ऑप्शन में तो प्लस एम इफेक्ट है, प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। बी ऑप्शन में भी अल्फा हाइड्रोजन है ना, अबे जब तक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं कार्बन पे तब तक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाता है। तो देखो जिनको हमने रेड पेन से सर्कल में किया है वो अल्फा कार्बन है या बेंजाइलिक कार्बन है, और बेंजाइलिक कार्बन पे जब तक एक हाइड्रोजन होता है तब तक वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाता है। लास्ट ऑप्शन में आओगे तो बेंजाइलिक कार्बन पे कुछ है ही नहीं, और लास्ट ऑप्शन पे अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त तो वो ये है लास्ट वाला ऑप्शन तुम्हारा सी, और सी के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी और सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, तो ये तो माइनस है माइनस, समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चा? अगर इन्हीं में से कोई पूछता 24 में कि सब इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट बताओ, तो ए में हाईएस्ट होगा, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में आता दोस्त, ए बी सी डी में। यस सर, यस सर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट या स्पीड, तो ए में हाईएस्ट, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में। चलो 25 बताओ, C6H5Y मेजर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 60% लिखा है, मेटा आइसोमर, वाई क्या होगा बताओ दोस्त? उसने बोला ये मेटा आइसोमर बना रहा है, मतलब मेटा डायरेक्टर है, तो मेटा डायरेक्टर कौन होगा भाई? जिनके भी की एटम पे लोन पेयर होता है दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, लेकिन ए वाला मेटा डायरेक्टर है। फास्टेस्ट रेट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 26 में बोला है फास्टेस्ट रेट सल्फोनेशन में, अबे सल्फोनेशन का मतलब बस इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हो रहा है, फास्टेस्ट रेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जिसमें ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी के लिए अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं तभी तो प्लस एच इफेक्ट आएगा। देखो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट रिलेटिवली ज्यादा होता है, तो अल्फा एच देखना शुरू करो। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? जीरो। पहले वाले में मिथाइल का सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? जीरो, अल्फा एच की वैल्यू जीरो। दूसरे वाले में तीन, तीसरे में दो, फिर इसमें एक, अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, अल्फा एच। कोई बोले सर प्लस आई इफेक्ट नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट फर्स्ट वाले केस में ज्यादा लगेगा क्योंकि तीन मिथाइल लगे हैं ना। अरे मिथाइल 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 समझते हो भैया, अरे इधर भी एक मिथाइल है, यहाँ भी एक मिथाइल है, लेकिन बीच वाले कार्बन के पास कोई एच नहीं है, तो एच अगर होता है तो हाइपर कंजुगेशन करता है। फर्स्ट वाले में क्या है, सेकेंड वाले में सी एच थ्री लगा है ना, बीच वाले में क्या है, दो एच है, और डी वाले में क्या है, क्यूमीन है, क्यूमीन में सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है और दो मिथाइल होते हैं, तो भाई दोनों मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लगेगा और इस एच की वजह से हाइपर कंजुगेशन लगेगा। बताओ बच्चा समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो एच की वजह से हाइपर कंजुगेशन लगेगा, तो आंसर इसमें क्या आएगा, सबसे ज्यादा रेट बी का होगा ना, सबसे ज्यादा रेट बी, बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर डी का होगा, फिर ए का होगा। प्लस आई इफेक्ट सब में लग रहा है, लेकिन दोस्त जब प्लस आई इफेक्ट सब में लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट ऑल्दो फर्स्ट वाले में ज्यादा भी है तीन मिथाइल की वजह से, लेकिन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब अगर दोनों लग रहे होते हैं तो हम हाइपर कंजुगेशन को लीड करवाते हुए फाइनल आंसर लिखते हैं। ठीक है बच्चा, हो गया, आगे चले। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। 27 का सोच समझ के आंसर बताना, बहुत सोच समझ के, जबरदस्ती ना करना। 27 बताओ दोस्त, 27 का आंसर बताओ अच्छा। कभी बहुत प्यारा, कैसे बताए भाई अभी पार्ट?
कोई एनएडीएन बात है नहीं, वो वो मेटा एनएडीएन है, वो डायरेक्टर मेटा था। डायरेक्टर था। ये साले उल्टा पुल्टा बता रहे हो, बहुत खराब कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, क्योंकि एनिलीन में बेंजीन फ्रेंड्स के टू के ऊपर जो लोन पेयर पेयर है है वो वो पेयर है एच प्लस। वो एच प्लस को हाँ ये बोलो ना, ये चेंज हो डॉक्टर जाएगी, बोल वो रहा है चेंज हो जाएगी। एनिलीन ये होता है, सुनो एनिलीन एक्चुअली में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, ओपी डायरेक्टर होता है ये। लेकिन ये ओपी डायरेक्टर है क्योंकि प्लस एम इफेक्ट लगाएगा ना ये, प्लस एम थोड़ा सा माइनस आई लगाएगा, लेकिन प्लस एम इसका ज्यादा होता है। लेकिन दोस्त उसने एसिडिक मीडियम में पूछा है, तो एनिलीन को जब एसिडिक मीडियम में करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम आयन में, बेंजीन के ऊपर लग जाता है NH3+। अरे एसिडिक मीडियम में उसका लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा एच प्लस को, और इस NH3+ की वजह से वो मेटा डायरेक्टर हो जाता है। तो आंसर किसी ने बी बोला था, लेकिन बी इसलिए होता है क्योंकि एनिलीन इन एसिडिक मीडियम गेट्स कन्वर्टेड टू एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टर होता है। ये पहला वाला ओपी डायरेक्टर होता था, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाता था, रिलेटिवली रिच होती थी। लेकिन एनिलीनियम आयन में मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो पैरा पोजीशन। रीजन समझ में आ रहा है दोस्त? लिखा है यस एनिलीन यस सर अंडर यस एसिडिक मीडियम। यस सर क्वेश्चन देखो, एनिलीन अंडर एसिडिक मीडियम व्हेन क्लोरीनेटेड, तो एसिडिक मीडियम में एनिलीन आयन, तो एनिलीन क्या होता है, सॉरी बेस होता है ना, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में, और एनिलीनियम आयन जो होता है दोस्त वो होता है हमारा मेटा डायरेक्टर। ठीक है बच्चा, आगे चले। यस सर यस सर यस सर यस सर चलो 28 पढ़िए, 28 स्क्रीन पर दिख रहा है तुम लोगों को। सर ए बताओ, ऑप्शन, सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन एक लोग बता रहे हैं, और दोस्त इन्होंने बोला सर ए ऑप्शन लिखे हैं इसमें, तुम लोग बताइएगा। जितने सल्फोनेशन लिखा है, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स सल्फोनेशन। अबे सल्फोनेशन में कुछ नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जाके एडिशन करना है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ए ऑप्शन में बोल रहे हैं सर मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन का मतलब यह है, जाइलिन जानते हो, दो मिथाइल लगे होते हैं, तो ए ऑप्शन ये लिखे हुए हैं। बी ऑप्शन में आओगे ओ जाइलिन, ऑर्थो जाइलिन, ये गड़बड़ हो जाएगा। टॉलुइन, टॉलुइन में तो एक ही एच है तो वो तो बेकार हो गया वैसे ही। और डी वाले में लिखा है पैराजाइलिन। दोस्त एक बात बताओ, इसमें मोर रिएक्टिव कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली आंसर सी तो नहीं होगा, सी तो टॉलुइन है, बेकार है, सी वाला हटा देते हैं क्योंकि एक ही मिथाइल है। अब आंसर या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो डी होगा, ए बी डी। ए बी डी अगर आएगा तुम्हारा आंसर, उसमें से चेक करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन उस पोजीशन पे कराते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हो। ए पार्ट में जरा गौर से देखो, ए पार्ट में दोनों मिथाइल के बीच वाली पोजीशन को रीइंफोर्स्ड पोजीशन बोलते हैं, रीइंफोर्स्ड, इसको रीइंफोर्स्ड पोजीशन। रीइंफोर्स्ड पोजीशन का मतलब यह है कि इस पोजीशन पे दोनों मिथाइल का प्लस हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, और इस पोजीशन पे दोनों मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। समझ में आ रहा है दोस्त? चलो अब यस इस पोजीशन यस पे सर बाकी यस सर बाकी देखो, यस बी और डी बी और डी ऑप्शंस में ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। देखो बी और डी भी नो डाउट इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन को फेवर करते हैं, लेकिन ऐसी रीइंफोर्स्ड पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती है बी और डी में। आंसर ए में ही ऐसी पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हम लोग मेटाजाइलिन को प्रेफर करेंगे। ठीक है भैया? यस सर यस यस सर यस क्योंकि रीइंफोर्स पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जहां पे दोनों का प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी लग रहा है, और उस पोजीशन पे दोनों का प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। चलो ये 29 हटा देना, 29 में थोड़ी सी कुछ मिसिंग है, कुछ डेटा ही मिसिंग है लग रहा है।
30 बताओ, रिकनाइट्रेशन ऑफ डाइमिथाइल बेंजीन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन, बताओ कौन सा होगा ये? डाइमिथाइल बेंजीन ऑर्थो वाला है, पैरा वाला है, मेटा वाला है, कौन सा वाला है? अरे ऑर्थो जालिन, मेटा जालिन, पैरा जालिन, ऐसा कौन सा होगा जहां पे सभी वाला, सभी वाला, सभी? अरे सभी कैसे बना रहे हो बे, क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ और लिखा है साले, भी कैसे बता, मार साले घंटा आप गिरा देंगे तुम लोग को। लिखा है ओनली वन नाइट्रो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बी वाले में एक नाइट्रो नहीं है, एक से ज्यादा मिल जाएंगे, तुम इस पोजीशन पे भी लगा सकते हो, इस पोजीशन पे भी लगा सकते हो, इस पोजीशन पे भी लगा सकते हो। ए वाले में चल, ए वाला हो, ए वाले में भी दो बनेंगे, सी वाला होगा, तो सी वाले लगा रही एक ही प्रोडक्ट, कहीं भी लगा रही एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सी वाले में चाहे इस पे लगाओ वही प्रोडक्ट, इस पे लगाओ वही प्रोडक्ट, इस पे आइडेंटिकल बनेंगे चाहे चारों पोजीशन पे लगाओ। ए वाले में जब बनाओगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, बी वाले में लगाओगे तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, तीन प्रोडक्ट बनेंगे। सिर्फ सी ऑप्शन एक ऐसा है जहाँ पे एक ही, अरे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दो तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में बगल में ही तो दिखेगा हमेशा। नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन अब पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़ लो, लिखा है पहले पढ़ लो, पढ़ लो, तुम लोग लग रहा है थोड़ा जल्दी पूछ ले रहा है। लिखा है रिंग नाइट्रेशन ऑफ डाइमिथाइल बेंजीन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन नाइट्रो डाइमिथाइल बेंजीन, मतलब एक NO2 ग्रुप को लगाना है, अब एक NO2 ग्रुप को लगाना है तुम्हें, और ऐसे लगाओ कि दोनों मिथाइल के रिस्पेक्ट में वो आइडेंटिकल ही दिखे। तो दोनों मिथाइल के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल दिखने का मतलब या एक ही प्रोडक्ट मिले, तो और क्या बता दें भैया? हेलो समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर, यस सर, नहीं सर, अबे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताए होंगे, या एरोमेटिसिटी उसमें सॉरी पढ़ा रहे थे आप लोगों को, आइसोमेरिज्म तब बताए थे। चलिए 31, 32, 33 ये तीन क्वेश्चन हमको करने हैं कम से कम आज की क्लास में। 31 बताओ, लिखा है पैरामेथॉक्सी टोलुइन इज नाइट्रेटेड, पैरामेथॉक्सी टोलुइन से क्या मतलब कहना चाह रहा है? अरे पैरा पे लगा दो ओ एम ई और टोलुइन मतलब यहाँ पे लगा दो एम ई ऊपर सी एच थ्री, बोला इसमें क्या लगाना है हमको एनओ टू नाइट्रेटेड, इफ पैरा मेथॉक्सी टोलुइन इज नाइट्रेटेड। अब बताओ एनओ टू ग्रुप लगेगा तो एनओ टू मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे लग सकता है, ओ एम ई के रिस्पेक्ट में भी लग सकता है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा एक्टिवेटर कौन है, मिथाइल या ओ एम ई? OME ज्यादा एक्टिवेटर है। मिथाइल का हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, लेकिन OME का रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है भैया, प्लस M इफेक्ट लग रहा है इसमें, तो फाइनल आंसर OME के रिस्पेक्ट में आएगा। तो OME के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट बनेगा, मिथाइल के रिस्पेक्ट में नहीं बनेगा। कोई बोले मिथाइल के रिस्पेक्ट में, अरे मिथाइल का प्लस एच लगता है, थोड़ा प्लस आई लगता है, लेकिन प्लस एम वाले ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, तो आंसर जो भी बनाओगे बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, यस सर बी हो जाएगा, यस सर बी हो जाएगा, यस सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 32, इफ मेटा नाइट्रो एनिलीन इज क्लोरीनेटेड, तो मेटा नाइट्रो पे एनिलीन मतलब मेटा पे क्या लगा हुआ है दोस्त? नाइट्रो, और क्या लिखा है? एनिलीन, तो NH2 है, एनिलीन बोलते हैं, मेटा पे लगा है नाइट्रो, इसमें क्या लगा दिया? क्लोरीन, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया, तो NH2 के रिस्पेक्ट में आएगा या NO2 के रिस्पेक्ट में लगेगा? सभी वाला लगा है, सभी वाला, सभी वाला, NH2 के रिस्पेक्ट में लगाओगे ना, प्लस M इफेक्टिव ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो या तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा, और ऐसा लगाओ जो NO2 से दूर भी रहे, तो आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जो NO2 के पैरा पे है। यस सर, अरे एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ तो नहीं लग रहा है? हाँ ठीक तो है, क्या करोगे, और कहीं लग ही नहीं रहा है, क्लियर है भैया? ये बताओ दोस्त, बी ऑप्शन अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट है। यस सर, चलो ये 33 कर लो, फिर अभी छोड़ते हैं आप लोगों को। अरे भैया कोई डाउट हो तो बता देना जरूर। हाँ लिखो, एन एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H6Br2 was nitrated, then three isomers
इसके बन गए, तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट था वो? और समेटा वाला बी, समेटा वाला बी बताओ। हाँ बाकी लोग भैया, बाकी लोग मेरे दोस्त अभी तो कराए थे थोड़ी देर पहले शायद। लोग बताते रहियो दोस्त। सर बी वाला लग रहा है, सर बी वाला लग रहा है। का आंसर सेकंड वाला लगेगा ना? अरे मेरे भाई एक बात बताओ। यस सर, यस सर। ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप एमईएमई पहले यहाँ पे बीआरबीआर लगा चुके हो, एक बार बीआरबीआर ऑर्थो पे लगा दो, एक बार बीआरबीआर मेटा पे लगा दो, और एक बार बीआरबीआर पैरा पे लगा दो। अब बीच में NO2 को इंट्रोड्यूस करना है, इसमें एक पोजीशन दो पोजीशन आती, बाकी तरपीट हो जाती। दूसरे वाले में एक पोजीशन दो पोजीशन तीन पोजीशन आती, एक रिपीट हो जाती। इसमें कौन सी आएगी? सारी आइडेंटिकल पोजीशन आएंगी, तो मेटा प्रोडक्ट ही तो होगा जो तीन प्रोडक्ट देगा। ऑर्थो वाले केस में कितने बनेंगे? दो। इसमें कितने बनेंगे? तीन। इसमें कितने बनेंगे? वन। बताओ भैया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखो, पढ़ लो अभी पढ़ लो, तुम्हारी दूसरी क्लास थोड़ी लेट ही स्टार्ट होगी। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव वुड फर्निश ओनली 3 isomer। अब भी तो पूछना पड़ेगा तुम लोगों को, क्या ये ओनली 3 isomer कब बनेंगे? एक सब्स्टिट्यूएंट इसमें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो। सर ए वाले में, सर ए वाले में, ए वाले में या तो यहाँ पे लगाओगे ऑर्थो पे, या तो मेटा पे, या तो पैरा पे, है ना? बाकी तो रिपीट हो जाएंगे। यस सर, यस सर। भाई अगर इस पे लगाओगे तो रिपीट। बी वाले में कोई देख ले, तो एक यहाँ पे लगाओगे, एक यहाँ पे लगाओगे, एक यहाँ पे लगाओगे, एक यहाँ पे लगाओगे, चार बनेंगे। सी वाले में एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ भी चार बनेंगे। डी वाले में सिर्फ दो बनेंगे। यस सर, यस सर। लिखोगे इसको? किस समझ में आ रहा है तुम लोगों को? शीट कर लोगे इसको? जब अभी शीट देंगे तो कर लोगे बच्चा? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, समझ में आ रहा है आंसर इसका? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो 35 बताओ, 36 बताओ, लिखा है बेंजीन ऑन रिएक्शन विद ए फॉर्म्स दिस एंड ऑन रिएक्शन विद बी फॉर्म्स दिस, तो बताओ ए और बी क्या है? सर डी ऑप्शन, सर डी ऑप्शन। ए एंड बी आर, अच्छा तो इसका मतलब ए की क्लीमेंशन कराए होगे तभी तो बी बना होगा। बताओ भैया आंसर, ये बता रहे हैं बी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन सही है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। 36 बता दीजिए, V2O5 775 कैट के इस पे EAS में रिएक्शन है। चलो हम बताते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, कॉपी निकालो अपनी, कॉपी निकालो, दो चार मिनट देख लो। अगली क्लास किसकी है? इसकी क्लास है फिजिक्स, फिजिक्स। चलिए चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन लिखो अपनी कॉपी में। जब बेंजीन की रिएक्शन हम लोग ऐसे करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं V2O5 से, है ना, करीब 773 या 777 केल्विन पे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, O2 तो रहता ही है। तो भाई ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होके ये बन जाता है मैलेइक एनहाइड्राइड है या फ्यूमैरिक एनहाइड्राइड है, क्या बोलोगे इसको? सर मैलिक, मैलिक, मैलेइक एनहाइड्राइड बन जाता है ये हो जाता है। ठीक है, याद करना है इसको। कोई बोले अच्छा सर,
अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करवा दें तो फिनॉल की रिएक्शन यही करवा दें तो तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा, सेम सेम प्रोडक्ट बनेगा। लिखो जरा, इतना कॉपी करिए। बेंजीन की रिएक्शन V2O5 से 777 केल्विन पे करा देते हैं O2 में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेइक एनहाइड्राइड में। और इवन फिनॉल की रिएक्शन कराओगे तब भी वो इसी में ही कन्वर्ट होगा। समझ रहा हो बच्चा? हेलो, क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। 2 मिनट। हाँ, अब देखिए इसमें एक और चीज है, कभी कभी दो रिंग होती हैं। अच्छा, आपको ये पता है एक्टिवेटेड रिंग कौन होती है, डीएक्टिवेटेड रिंग कौन होती है? अगर ऐसा आपका लिखा हुआ है कहीं पे, कोई बोले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है फिनॉल, एक रिंग है बेंजीन, एक रिंग है ये नाइट्रोबेंजीन, कोई बोले इसकी रिएक्शन आप V2O5 से करवा दो, हीट कर दो, है ना, हीट कर दो 777 केल्विन पे, मान लो ऐसे ही 773 केल्विन या 777 केल्विन O2 में, तो इसमें एक रिंग ऑक्सीडाइज होती है, एक रिंग रह जाती है। जब ऐसा कंपैरिजन हो तो ऐसे करो, जो ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है, ज्यादा एक्टिवेटेड, तो क्या तुमको समझ में आ रहा है ये वाली मोर एक्टिवेटेड रिंग है? अरे यस सर, यस सर। तो जो ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा एक्टिव है वो, ज्यादा एक्टिव है तो रिएक्ट नहीं कर जाएगी, तो रिएक्ट कर जाएगी तब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी इसमें इसमें, और दूसरा वाला ऐसे बचा रहेगा, जो लेस एक्टिवेटेड रिंग है वो नहीं होगी ऑक्सीडाइज। अगर इसी में आपसे कोई पूछता कि सर हमारे पास अगर बेंजीन लिखा है और हमारे पास अगर नाइट्रोबेंजीन लिखा है, इसकी रिएक्शन हम करवा दें ऐसे ही, तो अब नाइट्रोबेंजीन बचा रहेगा, नाइट्रोबेंजीन वैसे ही रहेगा मेरे दोस्त, अभी भी लेस एक्टिवेटेड है। अब जो बेंजीन वाला पोर्शन था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे NO2 बचा रहेगा। समझ में आ रहा है भैया? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। जो मोर एक्टिवेटेड पार्ट होता है, रिलेटिवली मोर एक्टिवेटेड रिंग जो होती है, अब वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, दूसरी वाली ऐसे बची रह जाती है। इतना कर लीजिए आप लोग, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।